सेट्टी ने बेल करवा दी है गुरु। अच्छा, अरे अब दो चार को नापने का डील करके फिर आ जाएगा। अरे जाओ जाओ, देखना शेट्टी तुम लोगों का भी गेम बचा देगा। डर लग रहा है क्या? बाहर निकल के ए हीरो, क्या मतलब है इसका? ए हाँ भाई, हाँ चारों छूट गए हैं। हाँ मैं लेके आ रहा हूँ। मामू एक डील है, तुम मेरे साथ आओ। अग्रवाल का डील तो नहीं? अरे तुम चलो तो सही मामू, बताता हूँ। आओ बाबू। हाँ शेट्टी जी। मैं गांधीनगर की तरफ जा रहा हूँ, एक फोटो है तो मुझे दे दो। किस लिए शेट्टी जी? सुना है प्रेम नई फिल्म बना रहा है। प्रेम? ये देखिए शेट्टी जी, कैसा है, क्लोजअप है? वाह, फर्स्ट क्लास है ना। ये लीजिए। अच्छा, उसका टाइटल क्या रखा है? उसने टाइटल रखा है गुंडों की धरती। इनमें से कोई भी मौत से नहीं डरता है। इधर कुछ नहीं होगा मामू, दिमाग खराब मत करो, चलो। ए, तुम लोग जा रहे? ठीक है भाई, चलो चलो। चेहरे पर अभी तक मूछ नहीं आई है और सौदा पटा रहे हो। क्यों बे चिल्लर, डील कर रहे हो? हा? हम जैसे चिल्लर ही तुम लोग के काम आते हैं, तुम लोग के इशारे पर किसी को भी टपका डालते हैं। ओहो, देखा मामू, अभी से इन लोगों का डेयरिंग, वो भी शेट्टी के सामने। हा? भले ही जेब में पैसे ना हो, लेकिन फील्ड में रहना पड़ता है भाई। शाबाश। वो सब छोड़ो भाई, मुद्दे की बात करो। इस लड़के को टपकाना है। ठीक है, बदले में क्या दोगे? हिम्मत कैसे हुई तेरी भाई से पैसे की बात करने की? औकात औकात देखी तूने अपनी? बंद कर रे, बंद कर अपना ढक्कन, बंद कर। आप ही बताओ भाई, कितना दोगे? 10-15 फंटर एक साथ आ जाए ना, तो उन्हें अकेले ही मैं धूल चटा देता हूँ। छोटे मोटे काम करने वाले ये चिल्लर, मेरे सामने खड़े होकर देखो ना मामू, किस तरह रेट की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, आप दूसरों के मैटर में टांग अड़ा रहे हैं, धड़ पे सर नहीं रहेगा। मेरी सारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रहे हो यार? अरे चुप करो ना, तू शांत है, तू शांत रह। जाने दो भाई, वो वैसे भी शॉर्ट टेंपर है, आप बस काम बताइए। बाबू नाम है उसका, एमएलए सोम को तो तुम लोग जानते ही हो, उसका छोटा भाई है। क्यों किस लिए ये सवाल मुझसे मत करना, बस इसको टपकाना है। तुम्हें जो भी प्रोटेक्शन चाहिए वो तुम सबको मैं दूंगा, लेकिन याद रहे कहीं भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। इस डील से आपको क्या फायदा है ये हमें नहीं पता, और हम जानना भी नहीं चाहते हैं, हमें बस अपना नाम आगे बढ़ाना है। एक बात तुम लोग अच्छी तरह समझ लो, मुंह मांगी कीमत दूंगा और 90 तुम्हें सारी डिटेल्स भी दे देगा। हाँ मामू। हो गया क्या? तेरे कारण डील हाथ से निकल जाती। फील्ड में काम करना है तो शॉर्ट टेम्पर नहीं होना चाहिए, एक बार फील्ड में नाम हो गया ना तो ये सब अपने ही कदमों में आके गिरेंगे। बिड़ो, फील्ड में नाम कमाने के लिए मूंछ होना जरूरी है ना, इसलिए तू भी लगा ले। ठीक है, अच्छी तरह देख ले इसे, इसका ही गेम बजाना है। इसकी मौत के बाद नेक्स्ट शेट्टी का नंबर। फील्ड में सभी लोग मुझे और बाबू को भाई ही समझते हैं, क्योंकि हम सालों से एक साथ हैं, हर बात में साथ देता आया हूँ। डबल गेम हमेशा नहीं होता है, आज अचानक कैसे हो गया? मैं अपने रास्ते सही जा रहा हूँ मामू, इससे आगे कुछ मत पूछना। कहीं उन लड़कों ने तुम्हारा नाम बक दिया तो? मेरे कहने पर भी वो लोग मेरा नाम नहीं बताएंगे मामू। उन लोगों को अपना नाम आगे बढ़ाना है, नाम। वो लड़का नंदा कौन है जो तेरे ऊपर भड़क गया? मामू, नंदा थोड़ा अड़ियल खोपड़ी का है, आप देखना ये काम भी वही करेगा। तो फिर उसका अकेले का बेल करवा देते? उस अड़ियल के पास दिमाग नहीं है, दिमाग वाला सिर्फ स्वामी है। स्वामी के प्लान के मुताबिक सही फील्ड लगाने वाला लड़का है जय, और छोटे मोटे काम निपटाने के लिए वो टकला भी कम नहीं है। ये रुक, उधर लड़के बहुत आए। ये छोड़ो बिल्कुल, चले। मैंने बोला ना रुक। कमीने की औलाद, लगता है अकेला नहीं मिलेगा।
गुरु चल अभी घुस जाते हैं क्या? सबर रख टकले, अब वो बच के कहाँ जाएगा, एक ही बार में गेम बजा देंगे उसका। उसके लिए एक सेकंड काफी है यार। ये सही वक्त है यार। मैडम बहुत सीरियस केस है मैडम, हॉस्पिटल किस तरफ है? इस तरफ। भाई अरे कहाँ जा रहा है? जान तो लो मामू, इस वक्त क्या हुआ? भाई भाई, भाई, भाई हमारे बाबू को किसी ने मार डाला। क्या मार डाला? किसने मारा, कहाँ पर मारा और कौन था वो? मुझे नहीं पता भाई। hey, सब अलर्ट हो जाओ, वो कौन है उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालो, ये रवि का ही काम है, जाओ उसे उठा लो, जाओ जाओ। चलो चलो चलो। सर कल तक तो खून खराबा गली सड़क पार्क में होता था, आज कॉलेज तक पहुंच चुका है, इससे स्टूडेंट सब कितना सेफ रहेंगे? हाई फाई लोगों का ये हाल है सर, तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा सर? इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी पुलिस सोई हुई है, इसकी वजह क्या है सर? इस सब की सिर्फ एक ही वजह है, हमारा ये सिस्टम। कहाँ है, कौन है वो, किसी को पता नहीं खून किसने किया और क्या कर रही है हमारी ये पुलिस? आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, हमारे लड़के उसे ढूंढने में लगे हैं। सब कुछ देख रहा हूं मैं, दिन रात तुम्हारे ही तो कारनामे देख रहा हूं मैं। उसको हमेशा रोकता था बाबू, आवारागर्दी मत करो, सब कुछ छोड़कर राजनीति में आ जाओ। नहीं मानी बात मेरी, राजनीति में नहीं आना है यही कहता था, क्योंकि सारे गांव वाले कहेंगे कि पूरा खानदान राजनीति में ही डूबा हुआ है, इसलिए तुम्हारे साथ गया। अब क्या कर लिया तुमने, क्या कर लिया तुमने? अब हाँ, वो एक मिनट भाई। हेलो, ये केस कौन देख रहा है? ACP नायक। बैंगलोर से मुंबई तक के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को खत्म करने वाला, बल्लारी में दो धर्मों के बीच हुए सांप्रदायिक दंगों को बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के आगे झुके खत्म करने वाला। मिस्टर नायक सर, इस केस में अब तक तुम्हें कोई क्लू मिल पाया है? नो सर, मैंने पकड़े गए सारे राउडीज का इंट्रोगेशन किया है, मगर जिस पे पुलिस का शक जा रहा है वो है RS रवि और कचरा पट्टी गैंग के चार लोग। कोहली मुर्गन के केस में RS रवि यहाँ से मुंबई फरार होकर अंडरग्राउंड हो गया है, और कचरा पट्टी गैंग के लड़के लोग 2 दिन पहले ही बेल पे रिहा हुए हैं। उन लोगों की जमानत किसने करवाई? शेट्टी। मिस्टर नायक, ये केस बहुत ही सेंसेशनल है। यस सर, मैं पर्सनली हैंडल कर रहा हूं। एक अर्जेंट फोन आ गया था। शेट्टी, कौन है वो चार लड़के जिनका तुमने बेल करवाया था? अभी जो आए थे उन्होंने बताया क्या? हाँ भाई, मैंने ही बेल करवाई। आप जानते हो क्यों? वो RS रवि मुंबई में बैठकर इन चार लड़कों को अपने कब्जे में लेकर हमारे खिलाफ साजिश रच रहा था। मुझे मरवाने के लिए फील्डिंग लगाई थी भाई, किस्मत से मैं बच गया। और वो कॉन्ट्रैक्टर कृष्णप्पा, हाँ भाई, अगले 6 महीने के अंदर वो RS रवि मुंबई से बैंगलोर आ जाता, फिर इन चार लड़कों से मिलकर डील करता, और डील होते ही समझो खेल खत्म था भाई। मेरे लिए पूरा प्लान बना लिए थे भाई। मुझसे एक छोटी सी भूल सिर्फ ये हो गई थी भाई कि मैंने उन चार लड़कों को लाने के लिए गलती से अपने 90 को भेजा था। पता नहीं ये जाकर उन लोगों के सामने क्या क्या बक दिया, पता नहीं वो लोग क्या समझ बैठे, वो लोग डर कर इसकी अच्छी खासी पिटाई भी कर दिए और हमारी गाड़ी भी लेकर फरार हो गए भाई। वह ACP भी अभी तक उन चार लड़कों का पता नहीं लगा पाया, उसने आलतू फालतू मवालियों का नाम आपको बताया होगा। अरे हमारे जान से ज्यादा प्यारा बाबू के साथ ऐसा होगा, किसने सोचा था भाई? अब बेकार के काम छोड़ के किसी सेफ जगह पे जाके डिसेंटली सेटल हो जाओ, शहर में पुलिस वालों का राउंडअप शुरू हो चुका है। क्या बात है भिड़ू? पुलिस वालों का राउंडअप शुरू हो गया यार। पुलिस वाले इतनी जल्दी? 90 कह रहा था कि किसी सेफ जगह पे जाके सेटल हो जाओ। मैं पहले से ही जानता था वो कमीने लड़के किसी भी समय हमारा साथ छोड़ देंगे। आज साथ छोड़ा है, कल हमें लुढ़का भी देंगे, क्या होगा भगवान ही जाने। क्यों 90? ये देखो मामा, आप बिना वो सोम भाई की तरह आपके भी हाथ में ढीले पड़ गए क्या? भाई ने बैंडेड बांधने के लिए कहा तो मैंने बांध लिया, उसे हाथ में लटकाने के लिए कहा तो लटका लिया, आकर खड़े होने के लिए कहा तो चुपचाप सर झुकाकर खड़ा हो गया मैं। बताओ क्यों भाई, जो भी काम करते है ना पक्का प्लान बना कर ही करते हैं।
छोड़ जाने दे। ए, कहाँ भाग रहा है? बोला ही। जल्दी चलो, जल्दी चलो, पकड़ो उसे, बोला ही। लगता है ये लोग हमें किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। रात होने तक यहीं छुपना होगा। क्या लगता है? क्या यार, हम लोग गुंडे होकर भी पुलिस वालों से डर रहे हैं। तू बस इशारा कर देता तो मैं अकेला ही सबको तोड़ देता। अरे टकले पुलिस वाले, ये भाग! हे, ये तो अपना मनु है। हाँ यार, मनु है। ए, मनु, 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 मनु। हे मनु, कैसा है? क्या ये? अरे वो अपना ही दोस्त था यार, तूने उसे क्यों मार दिया? अरे देखना यार, ये मनु तो हमें पहचान ही नहीं रहा है। अपनी जन्म देने वाली माँ को ही ये नहीं पहचान पा रहा है तो फिर ये तुम लोगों को कैसे पहचानेगा? इसे क्या हुआ माँ जी? ये बिल्कुल ठीक था, रोजाना काम पर जाता था, अपनी बहन की शादी भी करवाई। ऐसा लगता है ये सारी बातें ऊपर वाले को पसंद नहीं आई, इसीलिए आज इसका ये हाल है। यार अब डिग्री तो पूरी हो गई है, आगे क्या करना है? आगे क्या, नौकरी? अरे यार तेरा क्या है, फर्स्ट क्लास में पास है, कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, फिक्र क्यों करता है? और हमें देख किसी तरह पासिंग मार्क है, हमें नौकरी कौन देगा भाई? ए, पढ़े लिखे ही सेटल होते हैं, ये बात गलत है यार। न जाने कितने अनपढ़ भी सेटल हैं। टैलेंट सबके अंदर होता है, जरूरत है उसे बाहर निकालने की। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही है, थकना नहीं चाहिए जब तक हमें मंजिल न मिल जाए। ए, अगर तू इसी तरह बातें करता रहेगा ना तो एक दिन मेंटल हो जाएगा। गारंटी है। क्या सोच रहे हो बच्चों, तुम लोग खाना खाओ। माँ जी, मनु खाना नहीं खाएगा क्या? उसकी भूख तो मर ही चुकी है, मुंह में निवाला दो तो खा लेता है, वरना नहीं। ए, श्रुति की शादी है यार। हाँ यार, इतनी जल्दी? चुप करो तुम लोग, वो अच्छी लड़की है, जहां भी रहे खुश रहे। अरे कौन श्रुति यार? यार ये कौन सी श्रुति है? कौन सी श्रुति यार? कौन श्रुति मनु? अरे कोई भी श्रुति हो यार, हमें उससे क्या, बड़ी जोर की भूख लगी है, चल। स्वामी। हाँ माँ जी। मैं एक बात पूछ रही हूँ, तुम बुरा मत मानना। नहीं नहीं, पूछिए ना। ये दोनों कौन है बेटा? कौन ये दोनों? मैंने पहचाना नहीं। ये है नंद कुमार और ये है योगेश कुमार। हाँ? अरे यार, ये दोनों हमारे कॉलेज के पास ही बहुत बड़ा बिजनेस चलाते थे माँ जी। जब से बेंगलोर की मीटर गेज ट्रेन बंद हो गई तब से। विड़ू, आज कोई और नहीं कहानी। अरे अपनी आइटम भागने के लिए कह रही है। अरे यार भाई, सच बता, ये बात तुमने उस लड़की से कही या उस लड़की ने तुमसे कही? मैं क्यों कहूंगा, उसी ने मुझसे कही। उसके ना करने के बाद भी तू उसका पीछा नहीं छोड़ेगा तो वो तुझे भागने के लिए ही तो कहेगी। अरे मुझे ऐसा कुछ नहीं करना यार, अब तू ही बता मनु क्या करूं। मतलब इंतजाम करना है ना? हो जाएगा। ए नंदा, तू एक काम कर, सीधा मंदिर चला जा, मंगलसूत्र फ्री, बरातियों की जरूरत नहीं, वहां जो भी होंगे बराती बन जाएंगे, बिना खर्चे की शादी, बस आने जाने का खर्चा तुम्हें अपनी जेब से करना होगा। अभी जो तूने लास्ट में कहा ना, हाँ, उसी की तो प्रॉब्लम है यार। क्यों, खर्चे के लिए पैसा नहीं? नहीं है यार। कहीं से भी इंतजाम कर ले यार, अगर तू चाहेगा तो हो जाएगा यार। मेरे पास कहाँ है यार? सही कहा। अरे तेरे हाथ में ये सोने की रिंग है ना यार। मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से दी है। हाँ। अरे जो चीज प्यार से मिली हो उसे प्यार में ही खर्च करनी चाहिए, वो तू हमेशा कहा करता था ना, वो विवेकानंद जी ने। विवेकानंद जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, बड़ा आया। हाँ। चलो माना उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी ने तो कहा होगा ना यार। अरे बिल्कुल कहा ही होगा यार। ए, चले ले, नहीं तो टर-टर करता रहेगा। पर ध्यान रहे, पुलिस को भी संभालना पड़ेगा। पेपर पे साइन करो। बाप का नाम क्या है? मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या, या फिर तेरे कानों में प्रॉब्लम है? अरे बोल ना। बताओ बेटा, बता दो कि तुम हेड कांस्टेबल महेश की बेटी हो।
ये क्या महेश, ये तुम्हारी बेटी है? जी हाँ सर, मेरी बच्ची बहुत ही शरीफ है सर, रोज कॉलेज से टाइम पे घर आ जाती है सर। इन चारों का चेहरा देखिए, बिल्कुल गुंडे गुंडे की तरह लग रहा है ये। दुनिया के फरेब से अनजान मेरी बच्ची के दिमाग में इन चारों ने पता नहीं क्या भर दिया। मेरी बेटी अभी 17 साल की भी नहीं हुई है सर, उसे क्या पता है कि सही क्या है गलत क्या है सर। माइनर किडनैपिंग का केस बनाकर गुंडों की लिस्ट में डाल दीजिए इन्हें। कैसी बात कर रहे हैं साहब, हमें कानून नहीं पता है क्या? सर ये अपनी लड़की की 17 साल की उम्र में शादी करवा रहे हैं, क्या ये गुनाह नहीं है? वो भी बताइए ना साहब। शादी कब करवानी है ये उनके घर का मामला है, चाहे फिर वो 17 साल में करवाए या फिर 17 साल में करवाए, उन बातों से तुझे क्या लेना देना। सर गलती हम लोगों ने जानबूझ के नहीं की है, वो सही क्या है गलत क्या है जानती नहीं थी, इसलिए हम उसे समझाने के लिए चले गए थे। और क्या, ये भी हमारे साथ था सर। ए महेश सर, FIR लिख दो, चार्जशीट तैयार करो और 2-4 मजबूत केस ठोक कर इन सबको गुंडों की लिस्ट में डाल दो। ठीक है सर। तुम अपनी बच्ची को संभाल के घर ले जाओ, इन कमीनों को सही क्या है गलत क्या है ये कानून के हिसाब से अब मैं समझाता हूँ। ए क्या नाम है तेरा? टकलो। थू तेरे टकले पे, शक्ल से ही पूरा चोर लगता है साला। सुनिए जनाब, आप इनको पुलिस स्टेशन में क्यों लेकर आए हैं? इनका फ्यूचर पर बात करना है, किस केस में आप इन्हें लाए हैं? किडनैपिंग केस में। हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, आप इन्हें छोड़ दो। ए, लड़की ने खुद कंप्लेंट लिखवाई है, FIR दर्ज हो गई है और चार्जशीट भी तैयार हो गई है, अब इन्हें छुड़ाना है तो कोर्ट में जाकर इनकी बेल करवाओ। नहीं सर, झूठा सर, वो तो चुपचाप बैठी थी, उसने तो कुछ भी नहीं कहा, इन्होंने अपने मन से ही बढ़ा चढ़ा करके लिखा है सर। ए नंदा, FIR दर्ज होने के बाद कुछ नहीं हो सकता। मनु तू भी कुछ नहीं कर सकता क्या यार? चार्जशीट तैयार हो गई है। वो क्या है भाई, पेपर ही है ना, उसे फाड़कर फेंक दे। हाँ फाड़कर फेंकता हूँ, लगता है तुम लोगों से जूतों से बात करनी पड़ेगी। सर मैं समझाता हूँ, ये चुपचाप नहीं रह सकते। वो जो अंगूठी तूने दिया था ना मारवाड़ी के यहाँ गए, उसे गिरवी रखकर 2-2 पैक लगा लिए। अबे तेरी कितनी काली जुबान है यार, तूने पहले ही बोल दिया था कि गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, किसी तरह तुम्हारी बेल करवाता हूँ, तब तक अपना मुंह बंद रखो। क्या भाई, सब लोग अपने को सलाम ठोकरे ले तो रिटर्न में तुम क्यों नहीं कर रहे हो? अरे यूं ही सबको हाथ उठा के सलाम करूंगा तो अपनी इज्जत कम नहीं हो जाएगी? जल्दी करो सर, निकाल के बाहर फेंक दो। जल्दी करो, क्या मैं उठ गया हूँ? अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हो सेठ, सब बाहर फेंक ना। जल्दी 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 कर, जल्दी कर। देखो भाई देखो, क्या कर रहे हो? अरे आप शांत रहो सर, जल्दी कर, जगह खाली करो, चलो निकलो। गुरु, ए गुरु। अरे हुआ क्या? तेरी माँ। बेटा ये तो भगवान की मर्जी है, तुम अपने आप को संभालो बेटा, संभालो। अरे सर, सर, साहब, 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 इसे आज के दिन छोड़ दो साहब, इसकी माँ का देहांत हो गया है साहब, कल इसे मैं खुद पुलिस स्टेशन लेकर आऊंगा साहब। बच्चों को पैदा करके सड़क पे छोड़ देना कोई बहादुरी है क्या? बच्चों को अच्छी तहजीब और तमीज सिखाई होती ना तो आज ये नवाज नहीं आती। इस इलाके में अब अगर किसी का खून होगा तो सबसे पहले इसी का नाम आएगा, राउडी लिस्ट में इसका नाम सबसे ऊपर आ चुका है। अब ये लॉकअप और ये इंक्वायरी ये सब तो चलती ही रहेगी, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इन सलाखों से बाहर रहने के लिए कोई बड़ा काम करना होगा और नाम कमाना होगा। बड़ा काम करके नाम कमाने का मतलब? किसी नामी गिरामी को लुढ़काना होगा। भाईगिरी की फील्ड में एक मशहूर नाम है शेट्टी, उस पर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता। उसकी तिजोरी की चाबी है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर कृष्णा, उसे अगर हम लुढ़का दें तो समझ लो फील्ड में हमारा ही दबदबा होगा। मैं इसे दिमाग के हॉस्पिटल भी ले गई, 2 महीने वहाँ पर भी था, डॉक्टरों ने कोशिश की फिर भी कुछ नहीं हुआ, इसकी हालत मुझसे देख ही नहीं गई, इसीलिए इसे मैं यहाँ घर पर ले आई। इसका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाऊँ तो? मेरी हालत इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है, मेरी पहचान वालों ने बताया कासरगोड में दिमाग का इलाज करने वाला एक अच्छा वैद्य है और पैसे भी बहुत कम लेता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए भी पैसे नहीं है। आप पैसों के बारे में फिक्र मत कीजिए माँ जी, अगले हफ्ते ही हम लोग उसे वहाँ ले जाएंगे। हाँ माँ, अब मनु की सारी जिम्मेदारी हमारी होगी माँ जी। हाँ माँ जी। अब ऐसा लगता है कि यही जगह हमारे लिए सबसे सेफ रहेगी, ये केस ठंडा होने तक हमें 2-4 दिन तक यहीं रहना होगा। माँ जी से कह देंगे वो सारा इंतजाम कर देंगे। हे भगवान, ये भी ना, मुझे लगा कि पुलिस। अरे यार ये कौन सा तरीका है अंदर आने का? आजा आजा आजा, बैठ बैठ। अरे बैठ जा बैठ जा। मनु तू हर किसी के सामने नाटक कर सकता है लेकिन मेरे सामने नहीं कर सकता। लड़के बिगड़ते हैं 2 ही कारण से, पहला गलत आदतों को अपनाकर, दूसरा प्यार में पड़कर। देख प्यार के जाल में फंसकर मैं नहीं बिगड़ा। मनु लेकिन तू ऐसा कैसे हो गया? ए अरे भाई मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ, हंस क्यों रहा है और इसे लेके क्यों घूम रहा है?
ये ले। अरे बाप रे, ये तू अपना रख भाई। ये सब कब कैसे हुआ? ऊपर वाला भी किसका किससे कनेक्शन जोड़ देता है भाई, जैसे तेरा इस खिलौने से जुड़ गया है। सांप की तरह फुफकारने लगा है। बाप रे, अरे मर गया बाप, बहुत दुख रहा है। अरे यार, सच में ये इंसान है क्या? नहीं है यार। अरे ये तो हंस रहा है। हाँ, हंस तो रहा है। बिड़ू, कुछ करना यार। क्या मैं तेरा कुछ करूँ? हाँ यार। तो एक काम करो। हाँ बोलना। ये खिलौना लेकर उधर घुमा के आराम से खेलते रहे। हाँ। दर्द भी दूर हो जाएगा। हाँ, ठीक है, नींद भी आ जाएगी। ऐसा क्या जादू है यार इसमें? इसमें कोई दर्द वर्द की गोली तो नहीं रखी है ना? मजा आया टकले? किसने फोन किया? अरे यार मैं बोल रहा हूँ, पहचाना नहीं क्या? हाँ क्या है, बोलना। अरे बड़ी जोरों की भूख लगी है यार, चलकर कुछ खाते हैं ना। हेलो चार्ली। ए टकले, सैडल। अरे यार मनु, तू आराम से यहाँ बैठ, बहुत थक गया होगा, मैं अभी आता हूँ। उधर देख। अब समझ में आया बस, इसके पीछे तो प्यार व्यार का चक्कर है। ये लड़की और वो गुड़िया, कॉलेज में तो इसने कभी किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा, आखिर ये चक्कर क्या है? हे, उधर देखो, एक और लव स्टोरी इसमें जुड़ रही है। ये भाई लोग, उन लोगों से पूछेंगे ना तो पता चलेगा मनु की ये हालत कैसी हुई। ओके चला, 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 अरे वो लोग उधर निकल गए। अरे हाँ, तुम जाओ जाओ। चल भाई चल। ए रुक रुक, अरे वो निकल गए यार। ए ऑटो जल्दी आ। ए ऑटो ऑटो चल 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 जल्दी आओ। हां चल चल पीछे, उसके पीछे चल चल करो। अरे यार किस तरफ चले गए? हाँ यार कहाँ चला गया होगा यार, मिस हो गया यार, चला था यार। चल अब आगे ले, चला बैलगाड़ी, चल ऑटो घुमा। हे कौन हो तुम? हाँ सर, ये भी उन लोगों के साथ था। इसे जीप में बैठाओ। शंकर, ये सब कैसे हुआ? सर वो जो लड़का था उसी ने सब किया सर। ए, चल उठ, उठ, चल, चल। ए, क्या कर रहा? देवराज इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। इसे देखो, हम लोग इसे उधर ढूंढ रहे हैं और ये यहाँ बैठा है। अगर ये यहाँ है तो इसके चारों दोस्त भी यहीं कहीं आसपास होंगे। बाप रे,
पुलिस चल यार, चल चल। ए, इसका ठीक से ख्याल रखना। शेट्टी कहाँ हो तुम? क्या बात है भाई? उनमें से कोई एक लड़का मिला है, सीधा पुलिस स्टेशन जाओ। उनमें से कोई एक लड़का पकड़ा गया है। ऐसा क्या? तो फिर मैं फोन करके पता लगाता हूँ। कदे, जरा सोचो, अगर वही पकड़ा गया है तो तेरे फोन करने से तू भी पकड़ा जाएगा। तू इधर ही रह, मैं और मामू जाकर देखते हैं। ए, 90 को फोन लगा। क्या हुआ रे? स्विच ऑफ है यार। अरे यार, हमारी वजह से मनु फंस गया ना। ए, बता दे, मारो 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 साले को, इतना मारो कि इसके होश ठिकाने आ जाए। ए रुक जाओ, ए रुक जाओ रे। यही पकड़ा गया है क्या? हाँ सर। इसका चेहरा दिखाइए। ए दिखाओ रे इसका चेहरा। पता चला ये कौन है? अब नहीं भाई, ये बेचारा कोई और है। लगता है आर एस रवि ने इसे मुंबई से भेजा है। ए, मुंबई से नहीं, मुंबई से नहीं, ये लोकल लड़का यहीं पैदा हुआ है और यहीं पला बड़ा भी है। इसके साथ इसकी माँ और वो चार गुंडे भी रहते हैं जो कुछ दिनों पहले बेल पे छूटे थे। ए, इतना पीटा लेकिन कुछ नहीं बताया। इतना सब कुछ जानने के बावजूद लॉकअप में बिठा कर हमारे सामने नौटंकी कर रहे हो? नहीं सर, मैं तो अपना ये नाटक कर रहा है क्या? इंस्पेक्टर, बड़े बड़े टेररिस्ट को लाकर उनका मुंह खुलवाते हो कि नहीं? लेकिन सर वो तो इस लड़के का मुंह नहीं खुलवा पा रहे हो। मैं अभी कमिश्नर को फोन लगाता हूँ, अगर अपनी वर्दी बचानी है तो इसका मुंह खुलवाओ। हाँ सर, कोशिश करता हूँ। इसकी हालत को देखकर लगता है इज नॉट नॉर्मल। यह सिर्फ नाटक कर रहा है डॉक्टर साहब। थर्ड डिग्री देने के बाद भी इसने मुंह नहीं खोला है। अब आप एक ही काम कीजिए, इसका ब्रेन मैपिंग कीजिए। कीजिए डॉक्टर साहब, कीजिए। मिस्टर नायक। यस। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं ना, वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। ही इज एबनॉर्मल। डॉक्टर साहब, इसने पुलिस वालों को कुत्तों के जैसे मारा है। हाँ। मैं इसकी MRI स्कैनिंग करवाता हूँ। राइट। उसके बाद पता लग जाएगा। ओके। TBI, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। इस वक्त ये एक बच्चे के जैसा है, इसे कुछ भी याद नहीं रहता है, ये सब कुछ भूल जाता है। ये देखिए, ये बच्चा याद नहीं रहता, भूल जाता है। उस दिन आप हमारे पुलिस स्टेशन की हालत देखते तो पता चलता। मिस्टर नायक, आपके कोई बच्चा है क्या? हाँ, एक 3 साल का बेटा है। क्या क्या उसने कभी आप पर हाथ उठाया है? वो मुझसे कहीं ज्यादा गुस्से वाला है, वो अक्सर मारता है। जब वो बच्चा मारता है तो आपको दर्द नहीं होता, लेकिन जब ये मारता है तो दर्द हुआ होगा। हाँ, तो फिर आपके हिसाब से इसकी इलाज के लिए क्या करना चाहिए? सेल्स डैमेज होने के 2 घंटे बाद अगर इसे लाए होते तो शायद इलाज हो सकता था, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। ओके, लेट अस ट्राई टू गिव सम अदर ट्रीटमेंट। सर, वो नेगेटिव पॉजिटिव निकला। मेरा बेटा मवाली नहीं है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? थोड़ा होल्ड कीजिएगा, मेरी बात तो सुनिए। इनका जरा ख्याल रखो और इनके बेटे से मिलवा दो। सर, हमारे ख्याल मत कीजिए, आइए हमारे साथ। ट्रीटमेंट चलने के बाद सब पता चलेगा। मिस्टर नायक। यस डॉक्टर। अब ये थोड़ा थोड़ा रिस्पांस देने लगा है। वो ये तो अच्छी बात है। हेलो, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मनु। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं, माँ और बहन।
लड़का गली गली भटकने के लिए, लड़की काम से जी चुरा कर इधर उधर कूदने के लिए, और मैं अपने घर के साथ साथ दूसरों के भी हंडी बर्तन घिसने के लिए पैदा हुई हूँ। जिंदगी भर मुझे अपने पति से कभी सुख नहीं मिला, तुम लोगों से कुछ उम्मीद लगा बैठे हूँ। मेरी ही किस्मत फूटी है, बेवकूफ हूँ। सेकने के लिए कहूँ तो सेकती नहीं और खाने के लिए तैयार हो जाती है। चल जा बाद में खाना। क्या मम्मी तुम भी, किसी और का गुस्सा तुम मुझ पर क्यों उतार रही हो? प्यारी माँ, सोमा कौन है? इस मनु की बहन है, समझी? स्वर्गीय रंगा साहब की प्यारी बेटी, स्वर्गीय भीम साहब की पोती, स्वर्गीय बाला साहब की परपोती, सो एंड सो होते हुए मेरी इस बहन को आप डांटती हैं? नौटंकी की कमी नहीं है। अरे डांटू नहीं तो और क्या करूँ, तू भी तो मेहनत नहीं करता। प्यारी माँ, मेहनत करने वाले जीजान से मेहनत करते हैं, बहन की शादी भी करवाते हैं और घर बार भी चलाते हैं इस मनु की तरह, लेकिन कोई नहीं कर सकता। क्या ना, मैं कुछ काम धंधे अधूरे छोड़कर आ गया हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को मैं एडजस्ट नहीं कर पाया और कुछ लोग मुझे एडजस्ट नहीं कर पाए। देखो प्यारी माँ, एक न एक दिन मुझे अपनी पसंद की नौकरी मिल जाएगी और तब मैं अपना मुकाम हासिल कर लूंगा। जब कमाएगा तब कमाएगा, लेकिन मैं आज क्या करूँ? घर में गैस खत्म हो गई है, सारे अनाज के डब्बे खाली पड़े हैं, इसके शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए थे वो भी खर्च हो गए। मेरा बेटा कभी ना कभी कमाएगा, अगर ये बात मैं लड़के वालों से कहूँ तो वो इंतजार करेंगे। आप इतना लंबा भाषण दे रही हो नामा, तो फिर आप ही इसे कोई नौकरी की नहीं लगवा देती? उससे पहले भूख लगी है, खाना दो। क्यों री, मैं कोई महारानी हूँ क्या? मुश्किल से सबके पेट भर पाती हूँ, और इसके लिए नौकरी भी ढूंढू? ठीक है, नौकरी भी दिलवा दूंगी, पूछ ये करेगा कि नहीं? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ना भैया। मुझे पता है मेरी माँ मुझे कौन सी नौकरी दिलवाएगी, खुद दूसरों का चूल्हा चौका करती है, मुझसे झाड़ू पोछा करवाएगी और क्या। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो, माँ चाहे तो तुम्हें अच्छी नौकरी दिलवा सकती है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सही कहा ना माँ? ठीक है बेटा, वो भी कर लूंगी। ये बता तू क्या चाहता है? मैं दिन रात तेरे लिए मेहनत करूंगी, ठीक है ना बेटा? माँ, कितनी बार तुमसे कहा है, जब मैं खाना खाऊं तो रोया मत करो, मुझे एक साल का समय दो, इसकी शादी भी करवा दूंगा और तुम्हें महारानी की तरह रखूंगा, फिर भी आप रोती क्यों रहती हैं? देखो भैया, पहले घर की हालत तो संभालो, मेरी शादी का क्या है, वो तो सिंपल तरीके से भी हो सकती है। ए, किस लिए? मैंने पहले ही कहा था, हमारा खानदान पता है कितना ऊंचा है, शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, सिंपल तरीके से करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, है ना प्यारी माँ? प्यारी माँ, अब तो जरा हंस के दिखा दो ना प्यारी माँ। चल तू खाना खा, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है शांता बहन, आज अपने बेटे को भी साथ लाई हो? हाँ भाई साहब, आपके कंपनी में इसे नौकरी दे दीजिए, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई हूँ। आजकल काम बहुत ही मंदा चल रहा है, हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, इसीलिए मैं उनमें से आधे लोगों को कम कर रहा हूँ। कोशिश कीजिए ना, शांता बहन हमारे लिए पराई है क्या? ये हमारे घर में पिछले 7-8 सालों से काम कर रही है। कौशल्या, तुम जानकर भी अनजान जैसी बातें कर रही हो। कहाँ तक पढ़े हो बेटा? BSc कंप्यूटर साइंस। डिग्री होल्डर हो? जी। बहुत अच्छी बात है, तुम मेरी आंखों के सामने ही बड़े हुए हो। कोई छोटी मोटी नौकरी हो तो भी चलेगी, आप इसे अपने साथ ही रख लीजिए। फिलहाल हमें एक ड्राइवर की जरूरत है और इसने BSc किया है, वो काम देने में मुझे खुश शर्म आ रही है। कुछ दिन करोगे क्या? हाँ करेगा ना, इसके चाचा भी ड्राइविंग करते थे और इसके पिताजी भी। जरा चुप रहो ना। काम पे कब से आ रहे हो बेटा? आज से ही, आज शुक्रवार है ना, अच्छा दिन है। माँ, सर मंडे को आता हूँ सर। क्यों रे, आज से क्यों नहीं जाएगा? क्यों रे, आज से क्यों नहीं जाएगा? जाने तो छोड़ो ना शांता बहन, उसे कुछ काम होगा निपटा लेने दो। ठीक है सर, अब हम चलते हैं। ए डैडी, न्यू प्रोजेक्ट का डिस्कशन है, मुझे फ्रेंड के घर जाना है, कार की चाबी कहाँ है? तुम अकेले ही जाओगी? बहुत ट्रैफिक होगा और मैं भी अभी तैयार नहीं हूँ। ट्रैफिक का छोड़िए डैडी, मैं अकेले ही जा रही हूँ। मनु बेटा, क्या तुम इसे वहाँ छोड़ दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजयोग आएगा ये तो पता था, पर इतनी जल्दी आएगा ये नहीं पता था, अब मैं क्या करूं? इसके बाद भगवान बचा ले, भगवान बचा ले। ओह स्टॉप इट, तू मुझे कभी वेट नहीं करवाती क्या? ऊपर वाले, मुझे तो ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती, अब क्या करूं? बार बार एक ही बात कहकर दिमाग मत खा, मैं आ रही हूँ। मेरी माँ ने मुझे कहाँ फंसा दिया, अब क्या दबाऊं क्या छोड़ूं को समझ में नहीं आ रहा। अरे भगवान, तू अरे होल्ड कर यार। सभी लोग आ गए हैं क्या?
या ठीक है पहुंच रही हूं मैं। बस रास्ते में ही हूं, आ रही हूं मैं। यहीं बैठे रहो, कहीं मत जाओ। सॉरी ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, बात करने का टाइम नहीं है। चलो काम कुछ तो जल्दी चलो। कमाल है, मुझे ड्राइविंग नहीं आती फिर भी एक शब्द भी नहीं कहा। सच में ये तो देवी है। ए, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती तो बता देना चाहिए कि नहीं आती। आज तक मैंने कभी अपने डैडी से झूठ नहीं बोला, फिर तुमने क्यों बोला? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। भूख मैडम। क्या? पेट की आग सारे झूठ बुलवा देती है। ऐसा है क्या? सॉरी, मैंने कभी अपने डैडी से झूठ नहीं बोला, इसलिए मुझे गुस्सा आया। मैडम, थिएटर में भी मीटिंग होती है क्या? हाँ? तुम जितने दिखते हो उतने शरीफ हो नहीं। आपके साथ भी ऐसा ही है, जितनी बुरी दिखती है उतनी बुरी है नहीं। तो आप चले मैडम। हाँ चलो। इन केस मेरे डैडी ड्राइविंग करने के लिए कहते तो तुम क्या करते? वो क्या है ना मैडम, मैं एक दो दिन ड्राइविंग क्लास में जाके ड्राइविंग सीख के उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन प्यारी माँ है ना, वो नहीं मानी। कहने लगी आज अच्छा दिन है और मैं फंस गया। ओके, शांता आंटी के बेटे हो इसलिए मैंने माफ किया। चलो, तुम्हारी सच्चाई तो सामने आ गई। खैर छोड़ो, दो चार दिन में मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूंगी, तुम चुटकी बजाते ही सीख जाओगे। ओह, आप कितनी अच्छी हैं मैडम, ड्राइविंग भी सिखा रही हैं, नौकरी भी देंगी, फिर पगार भी देंगी। सच में आप बहुत ग्रेट हैं। मैडम, ट्रेनिंग कब से शुरू करेंगे? अनु, नया ड्राइवर ओके है ना? ओके, आप भी एक बार टेस्ट ले लो मम्मी। अनु, मेरे बेटे ने अच्छी गाड़ी चलाई ना? क्या तारीफ करूँ शांता आंटी, गाड़ी जरा भी हिली नहीं। अच्छा, इतनी अच्छी चला लेता है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। देखो, कार की अपनी ही मेथड होती है, ए बी सी। मैडम, ये सब मैं स्कूल में पढ़ चुका हूँ। पहले मेरी बात सुनो। ए मतलब एक्सीलेटर, बी मतलब ब्रेक, सी मतलब क्लच। फर्स्ट ब्रेक और क्लच के ऊपर पैर रखो, अब अंदर डालो। क्या डालूं? चाबी। इसके बाद ब्रेक को छोड़कर धीरे से आगे बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर देते हुए आराम से क्लच को छोड़ना है। स्मूथली हैंडल करते हुए स्पीड को बढ़ाने के लिए धीरे से गियर चेंज करो। गाड़ी स्पीड में हो तो सडन ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। सॉरी मैडम। ठीक है, अब गाड़ी को न्यूट्रल करो और धीरे से आगे बढ़ाओ। तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसे ही मैडम, डालो उठाओ निकालो ये सब कहेंगी तो मुझ जैसे लड़के कुछ और ही मतलब निकालेंगे। मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? मैं आपको कैसे समझाऊं मैडम, आपकी हाई फाई लाइफ है, सड़क छाप लोगों के सामने ये सब बातें कहेंगी तो इसका मतलब कुछ और होगा। वो लोग इतने कम समझदार होते हैं क्या? बेचारी लड़कियाँ। क्या कहा, बेचारी लड़कियाँ? मैडम, जो खेल लड़कियाँ खेलती हैं वो लड़के पूरी जिंदगी में नहीं खेल सकते। आप भी एक लड़की हैं, बुरा मत मानना। लड़कियों के बारे में एक कहावत सुनता आया हूँ, अंगूर भर प्यार दो तो संतरा भर प्यार मांगती है, और संतरा भर प्यार दो तो टोकरी भर मांगती है, और फिर टोकरी भर प्यार दोगे तो अंगूर खट्टे कहकर बदनाम करती है। मैडम, आप बड़े बड़े लोग बड़े तरीके से सोच के छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। ऐशो आराम की जिंदगी, पैरों के नीचे गाड़ी, फिर अपनी अलग ही कहानी, आखिर में क्राइम स्टोरी। बाप रे बाप, पहले तो तुम्हारे मुंह में जबान ही नहीं थी, माँ की सिफारिश लेकर आए थे, अब देखो कैसे पटर पटर कर रहे हो, जैसे तुम बहुत बड़े समझदार हो। थैंक यू मैडम। ए स्टॉप, ब्रेक मारो। क्यों मैडम? मेरी फ्रेंड जा रही है, गाड़ी रोको। तुम यही रुको, मैं आती हूँ। ए अनीता, हे अनीता,
हे अनीता, कैसी हो तुम? चल रहा है, बस जी रही हूँ। तू कैसी है बता? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारा चेहरा क्यों ऐसे उतरा है? मैं जिंदगी से बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ। क्या कह रही है? पूरे घर वालों के खिलाफ जाकर जिस राहुल से तूने प्यार किया उसी से लव मैरिज भी किया, तो फिर दुखी क्यों है तू? सब कुछ छोड़कर मैंने सोचा था मैं उसके साथ खुश रहूंगी, लेकिन जैसा हम सोचते हैं जिंदगी वैसी नहीं होती अनु। अरे चुप करना यार, अरुण अच्छा लड़का नहीं था क्या? बेचारा वो तुमसे कितना प्यार करता था, तूने ही हाई एक्सपेक्टेशंस रखकर अपनी जिंदगी बिगाड़ ली। हम सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं, और प्यार को ही सब कुछ समझ बैठती हैं। उसे पाने के लिए हम सब कुछ गंवा देती हैं। अच्छा यार अनु, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ठीक है। आप बड़े बड़े लोग बड़े तरीके से सोच के छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। ऐशो आराम की जिंदगी, पैरों के नीचे गाड़ी, फिर अपनी अलग ही कहानी आखिर में। What's happening? ऐसे कैसे सर्वर हैंग हो गया? I don't care what you do. Fix it immediately right now, okay? सर हम नहीं कर सकते, इसके लिए इंजीनियर बुलाना होगा। इसकी हमें जरा भी जानकारी नहीं है। तो क्या है जानकारी? डैडी जरा अपना मोबाइल दीजिए। लेकिन क्यों? वो क्या है ना, मैं अपना मोबाइल कार में ही भूल गई हूँ, तो मनु को फोन करके उसे मंगवा लेती हूँ और इंजीनियर को भी कॉल करती हूँ। क्विक नॉनसेंस। हेलो। हेलो मैडम। हेलो मनु जी, मेरा मोबाइल कार में छूट गया है, उसे जरा लेकर आओगे? मैडम एक्चुअली सर्वर। व्हाट सर्वर? डोंट टेल मी द रीजन। ओह थैंक यू। क्या प्रॉब्लम है? तुम नहीं समझ पाओगे, जरा चुप रहो। हेलो सुजन, सेम ओल्ड प्रॉब्लम, सर्वर हैंग हो गया है, जल्दी ऑफिस में आओ। ठीक हो गया। ओह, तुमने कंप्यूटर साइंस भी पढ़ी है ना? ये तो मैं भूल ही गया था। फैंटास्टिक। ये ग्रेट। इतना टैलेंट होते हुए भी तुम ड्राइविंग क्यों कर रहे हो? उस दिन बताया था ना मैडम, पेट भरने की मजबूरी। झूठ मत बोलो, सच बताओ ना, तुम क्या बनना चाहते हो? वैसे कोई बड़ा सपना तो नहीं है, MSc के बाद PhD करके सॉफ्टवेयर के फील्ड में कोई छोटा मोटा नाम कमाने का इरादा है। क्या आप इंफोसिस नारायण मूर्ति को जानती हैं? उनके लेवल तक पहुंचना चाहता हूं। ऐसा मुमकिन है क्या? मुमकिन हो या नामुमकिन हो, सपना देखने में अपना क्या जाता है। आपको पता है मैडम, एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था? जानना चाहिए। आजकल लोगों के अंदर से फीलिंग्स खत्म हो गई है मैडम। हम अपने दिल को चीर चीर कर दिखला दे तो भी कोई नहीं समझता, प्यार तो सिर्फ नाम का रह गया है। लेकिन इस गिफ्ट में सब कुछ दिखता है मैडम। इसे पैक कर दो। ओके मैडम। चलो। कहाँ चले मैडम? एक लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। लॉन्ग ड्राइव? अरे मैडम, गिफ्ट किसके लिए? एक स्पेशल इंसान के लिए। ओहो, मुझसे भी पर्दा? हाँ ऐसा कुछ नहीं है, अब हम जा रहे हैं ना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा।
मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बात छुपाने से तकलीफ होती है और थोड़ा मुश्किल भी होता है। मैडम, ये लड़कियों का गिफ्ट खरीदने का कोई रीजन नहीं होता और ना ही देने का होता है ना? अरे 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 बस करो, मैं जान चुकी हूँ कि तुम लड़कियों के बारे में बहुत कुछ जानते हो और ये भी साबित हो गया कि तुम कंप्यूटर जीनियस हो। एक मिनट। हाँ हेलो। हेलो अनु, तुम कहाँ हो? शांता बहन को चक्कर आ गया है, तुम मनु को लेकर जल्दी आ जाओ। ठीक है मम्मी, अभी आती हूँ। क्या हुआ मैडम, क्या बात? घर चलते हैं, गाड़ी घुमा लो। घबराने की कोई बात नहीं है, इन्हें बस आराम की जरूरत है। मैंने दवाइयां लिख दी हैं, शील बी ऑल राइट। बेटा तो कमाने लगा है ना, अब तुम क्यों काम करती हो? दूसरा कोई बावर्ची मिलने तक हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। समझाने पे मानती कहाँ है सर? भाई साहब, बेटी की शादी भी करवानी है, काम नहीं करूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? बेटी की शादी की चिंता मत करो, हम लोग नहीं है क्या? वो सब हम देख लेंगे, तुम्हारी बेटी की शादी हम करवाएंगे। सौम्या हमारे लिए हमारी बच्ची जैसी है, मनु को कभी हमने ड्राइवर की नजर से नहीं देखा है। एक मिनट। हेलो। ए जी, अभी तक हमारे घर में शांति, सुकून, खुशहाली सब कुछ था, लगता है अब नहीं रहेगा। क्यों, क्या हुआ? अब आ रही है सुनामी। कब आ रही है? अब एकदम आराम कीजिए, अब आप काम पे बिल्कुल नहीं जाएंगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सुदर्शन जी ने कही है। अच्छा माँ, मैंने आपसे एक साल की मोहलत मांगी थी, अब तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। पता है मुझे, पहले कुछ बनकर तो दिखा, तब तक मुझे हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे ना। वाह 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 वा। इस उम्र में इतनी एनर्जी। अब तुम देखती जाओ माँ, मेरे कंधे मजबूत हो गए, अब घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। ना 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 ना। भैया आज गाड़ी लाए हो ना, मुझे एक राउंड घुमा दो ना प्लीज। हेलो साहब, अभी ऑन ड्यूटी हैं, तुम्हारी माँ रिटायर हो गई है इसलिए उसे घर पर ले आया हूँ। बॉस के साथ मैं कभी धोखा नहीं कर सकता। तुम क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र हो? मैडम, आप गिफ्ट कार में ही भूल गई थी। मैं तो भूल ही गई थी। दीदी, तुझे नहीं लगता कि तूने बहुत बड़ी गलती की है? ये भी भूल गई कि तेरी एक छोटी बहन है, मुझे बताए बिना शादी भी कर ली। ए पगली, किससे कैसी बात करनी है अब तक नहीं सीखी क्या? ये शांता बहन का बेटा है। बहुत हो गया कौशल्या, बेटी घर में आई है उसका वेलकम करने का ये तरीका है? किधर है, किधर है आपके पति? दिन में एक बार कॉल करते थे, पिछले एक हफ्ते से वो भी नहीं किया, सहन नहीं कर सके इसलिए चले आए। इसलिए चले आए मतलब? और कौन है? चलो बाहर आ जाओ यार। हमने सोचा था सुनामी ही आएगी, अब तो भूकंप भी आ गया है। हो गया कल्याण। क्या बात है दीदी, आते ही मेरे लिए गिफ्ट। तेरा सिक्स सेंस सुपर्ब है। हेयर स्टाइल तो अच्छा है, दिखने में भी बुरा नहीं है, हीरो जैसा लगता है। मैडम, जितना आपने बताया था उससे भी ज्यादा तेज है। वो कौन है मैडम, जोकर जैसा लग रहा है? सुभाष उर्फ शुभ। अन्नो, मेरे बारे में ओवर बिल्टअप देकर सब कुछ बता देना, लंबे सफर से आकर मेरी पूरी बॉडी स्ट्रेन हो चुकी है। सो स्टोर रूम कहाँ है? स्टोर रूम किस लिए? रेस्ट करने के लिए। लेकिन सर वो तो रेस्ट रूम में करते हैं। आहो, चेक कर रहा था तुम्हें। ओ स्मार्ट बॉय, थैंक्स। ए बहुत हो गया, चलो। ओके, लगता है मुझे अभी ये लोग पहचान नहीं पाए हैं। कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गई वो अन्नपूर्णा देवी? शांता आंटी, शांता आंटी। शांता जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी यहाँ काम करने नहीं आएंगी। ओ, इसलिए अपने बेटे को यहाँ बावर्ची बनाकर भेजा है? अरे वो यहाँ बावर्ची नहीं है, वो सिर्फ ड्राइविंग करता है। ओ, ड्राइवर है? ड्राइवर नहीं है, वो तो मजबूरी ड्राइवर है नहीं है तो फिर मालिक है क्या? डैडी,
तू आ गई बेटा, सब जगह भटक कर हो गया ना, अब कल से कॉलेज जाना। डैडी। बेटा क्या हुआ बेटा, क्या बात है? डैडी वो कैंपस में ये, जैसे ये कर रही है वैसे तुझे भी करना होगा। हम सीनियर हैं, जो बोला है वो करना ही पड़ेगा। ए समझा रहे इसे, जाना। ए चल कान पकड़, नहीं उठक बैठक कर, घूर क्या रही है, चल। अच्छे अच्छे डरते हैं, देखा तूने करते कि नहीं? ये हुई ना बात। अरे कहाँ चल रही है? रो मत मैडम, मुझे बताओ वो कौन है। हमें कोई लफड़ा नहीं चाहिए, पुलिस कंप्लेन कर देते हैं वो सब संभाल लेंगे, तुम चलो। सर आप ये नहीं समझ पाएंगे, आप यहीं रुकिए। चलो मैडम। लेकिन मनु अरे ढंग से तो कर। अरे भाई कौन है? इसे किसने परेशान किया? अगर मैं कहूँगा मैंने अकेले ने किया तो इन सब का दिल टूट जाएगा, और अगर कहूँ कि इन सब लोगों ने किया तो मेरा दिल टूट जाएगा। अब बता तू किस किस से भिड़ेगा? कलयुग का कृष्णा हमें बचाने आ गया है, कलयुग का कृष्णा हमें बचाने आ गया है। गाना सुनाने के बाद ही पता चलेगा कि कौवा है या कोयल है। कहावत को छोड़ो, तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की और अगर मैंने तुम्हारा जवाब नहीं दिया तो मेरा दिल नहीं दुखेगा? अरे दादा, यहाँ पे एक लड़का अपने लड़कों को मार रहा है, फटाफट आ जाओ। अकेला तो पूरे ग्रुप में भारी है रे। ए, ये तो हम सबका भी बाप है यार, चलो भागो यहाँ से, चलो भागो जल्दी करो। मनु उस लफड़े के बाद क्या हुआ ये बताओ, तुम कॉलेज से सीधा कहाँ गए, उसके बाद क्या हुआ बताओ मनु, कम ऑन टेल मी मनु, कम ऑन डैमिट स्पीक अप, व्हाट नेक्स्ट? ये क्या है मनु, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी बच्ची को फिर उसी कॉलेज में जाना है, वो लोग कुछ कर दिए तो क्या कर लेंगे सर, अगर आज सर झुका दिया तो कभी सर नहीं उठा पाएंगे। आज तो तुम उसके साथ थे, अगर कल तुम्हारी दुश्मनी दीपा पर उतार दी तो? उन्हें देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो लोग गुंडे हैं। सर आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, छोटी मैम को लाने ले जाने मैं जाऊंगा, वो क्या कर लेंगे सर,
वो दो लोग आए तो चार लोग भेज दूंगा, चार आए तो आठ, आठ आए तो सोलह, सोलह आए तो 32 और क्या। ए पगली जरा चुप रहे। आपुन यही बात कहने के लिए जुबान के नोक पे रखकर कब से इंतजार कर रहा था, वही बात इसने बोल दी। दीपा तुम कितने दिनों तक दूसरों की फाइट देखती रहोगी, तुमने कभी मेरी टेरर फाइट नहीं देखी क्या? तुम्हें इतना डर लग रहा था तो मुझे आवाज दे देती। कितना फेंकोगे भैया, चुपचाप किचन में चलो, आज खाना तुम्हें बनाना है, चलो। हाँ। दीदी सबके सामने इंसल्ट मत करो, मैं यहाँ बावर्ची बनने नहीं आया हूँ, डिग्री हासिल करने आया हूँ, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो इस बार मैं डिग्री लेके ही रहूंगा। बिल्कुल सही कहा, जब मैं डिग्री कर रही थी तब से तुम यही कह रहे हो, आज मेरे बच्चों की डिग्री पूरी हो गई पर तुम्हारी डिग्री का पता नहीं। इसमें अपुन की क्या गलती है, उन लोगों को मुझे पास करके आगे बढ़ा देना चाहिए था, हर साल सिलेबस चेंज करते रहते हैं, अगर उनके बच्चे उस कॉलेज में पढ़ते होते तो इस तरह सिलेबस चेंज करते क्या? चाहे कोई कुछ भी चेंज कर दे लेकिन ये सुब्बू कभी चेंज नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं। हमारे कॉलेज की सारी लड़कियां फैन हो गई हैं उसकी, क्या फाइट करता है यार, वो अकेला था और वो कितने सारे थे, वो तो तूफान है यार, क्या डेयरिंग है, फुल एंजॉय किया हमने। बस हो गया सो जा। दीदी इस तरह का गिफ्ट कोई अपनी बहन को देता है क्या? क्यों क्या हुआ, अच्छा नहीं है क्या? अच्छा तो है लेकिन ऐसा गिफ्ट अपने लवर्स को दिया जाता है, मैं भी किसी से प्यार करती हूँ उसी को दे दूंगी। गुड नाइट। परसों मैं यहाँ से गिफ्ट लेकर गई थी, उसी तरह का एक और गिफ्ट चाहिए। सॉरी मैडम स्टॉक खत्म हो गया है, और आने में 2-4 दिन लग जाएंगे, मेरे पास उससे भी बढ़िया गिफ्ट है, दिखाऊं क्या मैडम? मुझे वैसा ही चाहिए। अरे गिफ्ट में क्या रखा है, कुछ भी दो चल जाता है, तुम्हें जो कहना है वो मायने रखता है, ये पैक कर दो ना भाई साहब। चलो ओके मैडम। इस महीने की 20 तारीख को अच्छा मुहूर्त है, उसी मुहूर्त में हम शादी का काम निपटा लेते हैं, अगला महीना आषाढ़ का है और फिर सावन शुरू हो जाएगा, ठीक है? अरे बेटा तुझे भी कुछ पूछना है तो अभी से पूछ ले। आपने ही सब कुछ कह दिया ना माँ। अरे अनु बेटा आओ ना, गाँव से मेरे कुछ रिश्तेदार आए हैं सौम्या के रिश्ते की बात करने के लिए, आओ बेटी अंदर आओ। नहीं रहने दीजिए, हम यही से गुजर रहे थे, अगर मनु फ्री है तो उसे ले जाने के लिए हम। मैडम मैंने सुबह सर को फोन कर दिया था कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, डैडी ने मुझे कुछ नहीं बताया इसलिए मैं आ गई। खैर छोड़ो, मेरा ना अच्छा ही हुआ, सौम्या से मेरी मुलाकात हो गई, लड़का यही है ना? जी हाँ मैडम। बस एक दिन की ही बात है, सौम्या के रिश्ते की बात है इसीलिए। रहने दीजिए कोई बात नहीं, अच्छा अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए। ऐसे कैसे हो गया यार, सही वक्त ही नहीं मिल रहा है। देखो अनु ऐसे में तेरा कुछ कहना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि उसकी बहन की शादी की बात है ना, देखो तुम ही सोच लो। अरे किसी तरह से सेटल होने की सोच, सारा उनको देखो, एक तो माथे पर तिलक लगाकर बिल्कुल ढोंगी ढोंगी जैसा लग रहा है, दूसरे को देख अपने बाल बढ़ाकर बिल्कुल जोगी जैसा लग रहा है, ऐसे लोगों की दोस्ती तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। क्या बात है रे टकले, ये लड़की हमारी तरफ इशारा करके हमारी बुराई तो नहीं कर रही है कहीं? अरे चुप करना यार, वो दोनों देख कैसी प्यार की बातें कर रहे हैं। जानते हो नंदा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी लाइफ में तुम्हें मिस नहीं करना चाहती, अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, अगर तुम्हारी मर्जी। नंदिता कहाँ गायब हो गए थे तुम लोग, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हम लोग इधर उधर मिलने वाले नहीं है बिड़ू, फुल टाइम अड्डे पे रहने वाले लोग हैं। मच्छर की औलाद शरीर पे मांस नहीं है और चला है गुंडागर्दी करने। मनु, तुझे दिखाई भी नहीं देता, तू बड़ा आदमी बन गया क्या रे, हम लोगों को भूल गया ना? बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। ये कार्ड कैसा है? लो हमारी सौम्या की शादी है यार। कितनी तारीख को? इसी महीने की 20 तारीख को, और तुम सब लोगों को आना पड़ेगा। हाँ जरूर आएंगे जरूर। अब इसको क्या हो गया यार, सुबह सुबह देवी का दर्शन करता है उसका इफेक्ट है, हम लोग चलते चलते थके, तू ही पूछ ले। ओ लड़कियों का चक्कर अभी छोड़ा नहीं है। ए नंदा मेरी बात सुन, पहले कोई नौकरी तलाश कर वरना हार्ट खराब हो जाएगा। अरे ये क्या है यार, लड़की की फोटो है क्या? लगता है लड़की का बाप है। अरे ये फोटो, अरे ये तो मेरे मालिक है। ए, उधर देख। पूरी दुनिया गोल है, घूमती ही रहती है, फिर भी एक बूंद पानी नहीं छलकता, इंसान भी चक्कर खाकर नहीं गिर रहा है, ये कैसे? इतनी ग्रेट सोच और किसी की नहीं होगी। दीप्स, मैंने एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का पता लगाया है।
मैं खुद आधे घंटे से अपना दिमाग खराब कर रही हूँ, मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रहा, ऊपर से तुम भी। ऐसा क्या? ओके लेडीज फर्स्ट, तुम पहले बताओ प्रॉब्लम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, सो प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, प्रॉब्लम बताने के बाद सॉल्व नहीं किया तब बिगड़ना, यही प्रॉब्लम है। भड़कने में भी प्रॉब्लम है क्या? इट्स अमेजिंग यार। क्यों मनु जी, एक वीक से बिल्कुल दिखाई ही नहीं दिए, बहुत बिजी हो क्या? जी हाँ मैडम, शादी की तैयारी चल रही है ना, थोड़ा बिजी था। आपने चेकबुक मंगाई है मेरे लिए क्या? दीदी सुनो ना, जरा इधर आओ ना प्लीज, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करो। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है मैडम, जरा मुझे बताइए। हेलो, यहाँ कोई फाइटिंग वगैरह नहीं करना है, प्रॉब्लम है मुझसे ही सॉल्व नहीं हो रहा है। मनु देखो, अगर तुमसे नहीं हो सकता तो ना कह देना, लड़कियों के आगे शो ऑफ मत करना। आपकी बात सही है मैडम, पर दिखाइए तो सही, दिखाइए दिखाइए। इतनी सी बात, ये तो इजी है। ए भाई, इजी कहने से काम नहीं चलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करके बता। लाओ। लगता है कर देगा। हाँ इधर इधर, हाँ उधर उधर उधर, हाँ ऐसा ही, ऐसा ही, सही है सही। हेल्पिंग नेचर, जरूरत नहीं है। ओके थैंक्स। ओह, ये थियरी अप्लाई करनी थी। इसलिए दीपा किसी को कम मत समझा करो। वैसे मेरी हेल्प की वजह से ये सॉल्व हो पाया है, वैसे मेरा भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बड़ा प्रॉब्लम है, चलो दिखाओ। दुनिया घूमती रहती है सर। दुनिया घूमती है? आपने देखा ना? किसी को बताना मत। इसको भी नहीं पता, इस बार ये पास हो जाएगा। हाय शांता आंटी, ये लीजिए डैडी। हाँ। सौम्या नहीं आई क्या? अपने फ्रेंड्स को इनविटेशन कार्ड देने गई है। ये लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये लीजिए, शादी में आकर आप लोगों को ही सब संभालना होगा। कार्ड दिखाना। शादी गांव में है, मैं नहीं आऊंगा। शहर की शादियां देख चुका हूँ, गांव की भी देख लेते हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते, आइए ना, सब तैयारियां हो गई, आइए आइए आइए। हाँ। ये मनु क्या, ये कार्टून बिल्कुल चोर जैसा लग रहा है ना? ये हमारे खास मेहमान है यार। क्या गर्मी है, मेरा पूरा ग्लैमर खराब हो गया, इसलिए मैं गांव जाता नहीं हूँ। अरे पानी भी नहीं है कि नहीं? ओ वो रहा नल। उसे पता नहीं कि हमारे गांव का ग्लैमर धूल से चमकता है। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। शहर में गैस सिलेंडर मिलता नहीं है, वेरी गुड। यहाँ गांव में गैस के लिए पाइप बिछाया है, इट्स अमेजिंग यार। ए, तू अकेले ही आया क्या? रंगा कहाँ है? अरे यार तुम तो जानते हो, 10 बजे से पहले सो के नहीं उठता है, वो सो रहा होगा अब तक। ए, जाके उठा, बहुत काम है। जैसे मैं उठाऊंगा वो उठ जाएगा। ए, वो कोई रंगा हो या पंगा, जा जाके उठा उसे। उसके बारे में ऐसा मत बोलो सर, आपको पता नहीं वो क्या चीज है। आपके जैसे कई आए और कई चले गए, हमें यही रहना, हम पंगा नहीं लेंगे यहाँ। क्यों बे बच्चू, तू उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा है, हम शहर वाले हैं। वो कौन है ये भी मैं जरा देख ही लेता हूँ। तुम सच में देखना चाहते हो क्या? मेरा क्या है, मैं तो बुला देता हूँ। जा, जा, आवाज दे उसे। ये कौन है जो बंदर की तरह चढ़ रहा है? रंगा, ओए रंगा। कौन है वो जो मुझे आवाज दे रहा है, है? दोस्त भाई अब मजा देखना। छिलके ने आवाज देकर मेरी नींद खराब की। हेलो, धोने के लिए पानी नहीं है। क्या कहा? चेहरा धोने। मेरा नाम सुनते ही चेहरे पे पसीना आ गया होगा, उसी से क्यों नहीं धो लिया तूने? ये शहर से आए भाई। शहर से आए हुए हैं? इस गांव के लोगों की आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे डिस्टर्ब कर सके। क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सही भाई। शहर से कोई कुत्ता आया है, इसलिए तुम लोग कौओं की तरह काव काव करके मुझे क्यों परेशान कर रहे हो नालायक? ए रंगा, ये उठने का टाइम है, शादी का घर है, जल्दी पानी छोड़ो, बहुत काम है यार। ये क्या बोल कर गया यार? आज शादी है क्या? रात को एक पैक ज्यादा लग गई थी इसीलिए भूल गया था।
छोड़ रहा हूँ भाई, छोड़ रहा हूँ। तूने कहा इसलिए पानी छोड़ रहा हूँ, वरना इस शहरी कुत्ते अप अप चल बे। हाँ यही है, ले जाकर दे दो उन्हें। हाँ ठीक है। आंटी हाँ, वहाँ क्या चल रहा है? अच्छा वहाँ, अरे वो मेरा मन्नू बहुत अच्छी मेहंदी लगाता है ना, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने उसे घेर रखा है। अच्छा सौम्या हाँ, ये तुम हो, ये तुम्हारा हीरो है और ये छोटी छोटी कलियाँ ये सब तुम्हारे नन्हे मुन्ने हैं। और ये देखो ये हाँ, तुम्हारी जिंदगी का प्यारा सा रास्ता। भैया हाँ, भले ही तुम मेहंदी अच्छी नहीं लगाते लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा देते हो। अब बहुत हो गया, छोड़ो। हे सौम्या, रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे मेहंदी लगाओगे? ओ आपको भी लगवाना है, तो आइए बैठिए, हटिए जरा, जगह दीजिए, हाथ आगे लाइए। तुमने कहा था इन लकीरों के जैसे हमारी जिंदगी भी है क्या? ऊपर वाले ने एक एक लाइन को कहां कहां जाकर जोड़ना है ये पहले से ही लिख दिया है, वो बहुत बड़ा कलाकार। ए, जो काम मैंने बोला था उसे ठीक से करना, समझा? हाँ ठीक है भाई। ये चिंपांजी किसी सर्कस से भाग के आया क्या? जंबो सर्कस से आया भाई। हाँ भाई, तभी तो ऐसा कर रहा है। यहाँ पे लेट के भालू की तरह क्यों कर रहा है? चलिए भाई, ऐसे ही करेगा ना। मुझे भी यही शक हो रहा है। क्या करने वाले हैं? देख अभी मजा चखाता हूँ। उस कद्दू को देखो, उस कद्दू को बिल्कुल भिंडी की तरह लग रहा है। दोनों को मिला के खाएंगे तो बहुत 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 मजा आएगा। ए रंगा भाई, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मार्केट में भाजी की गाड़ी आ गई है, उसे खाली करवा दो, वो देखो आ भी गई। आओ जल्दी, जा जा जा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जाओ 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 आओ चलो। ये पूरी लॉरी खाली करना है क्या भाई? ये मुझसे नहीं होगा भाई। सुन अब तू मेरा कमाल देख, ये काम मैं इसे किस तरह से करवाता हूँ, फिर देखना ये बंदर की तरह नाचना छोड़ करके देखना किस तरह से हाथ पैर फैला करके अजगर की तरह पड़ा रहेगा। हेलो, तुझे बुला रहा हूँ, इधर आ। हाँ साहब। बताओ वो रंगा क्या बड़बड़ा रहा था? अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला। अबे हम शहर वाले हैं, उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं, चल बता क्या कहा। कुछ बोला ही नहीं। मान ले तू मेरी गर्लफ्रेंड है, अब चल बताना क्या बोल रहा था। अच्छा तो ये बात है तो सिर्फ। हेलो, इतना क्लोज नहीं है, जरा दूर हट, चल अब बोल। मैं नहीं बताऊंगा तो आप मुझे जाने नहीं दोगे, और बता दिए तो रंगा और मेरा पंगा हो जाएगा। फिर भी अपना दिल पक्का कर लो, मैं बता ही देता हूँ। पता है रंगा भाई ने आपके बारे में क्या क्या कहा है? ये शहर के रहने वाले लोगों के अंदर दम तो होता नहीं है, और अगर उनका शरीर देखो, पिज्जा वीजा खाकर उनका शरीर पाव की तरह पूरी तरह फूल चुका होता है। और ऐसा भी कहा कि शहर के लोग कीचड़ में बैठी भैंस की तरह नजर आते हैं। किसी लड़की को लाइन मारने के लिए बोलो तो ये काम वो नहीं सिर्फ गाँव वाले ही कर सकते हैं। हेलो, उसने इतनी सारी बातें कही होंगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। अरे इसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ कहा है, ये तो मैं कान छांट के बता रहा हूँ, पूरी बात सुनाऊं क्या आपको? नहीं 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 नहीं, अब तू बता मैं क्या करके दिखाऊं? वो लॉरी देख रहे हो सामने, सामान से भरी हुई, बस वो सामान उठा के अंदर रखना होगा, पर मुझे नहीं लगता ये काम तुम कर पाओगे। शहर वाले अगर मन बना ले तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा? जब बता दे अपने रंगा को। शहर वालों में कितनी हिम्मत होती है जरा देखते हैं। अरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों आ रहा है? अरे खाली हो गया ना, बच गया। अरे वाह खाली हो गया, वाह 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 वाह, क्या बात है, इतनी जल्दी खाली कर दिया, मान गए सुपर। असली मर्द को ये सब काम करना ही चाहिए, वरना खाना हजम नहीं होता। इससे कुछ हैवी हो तो बताओ छोटे, हम कर देंगे। बस यही एक काम बचा था, वो भी हो गया, खाना लगाने के लिए कह देता हूँ। भिजवा दूंगा। पसीना मैंने बहाया, अवार्ड कोई और ले जा रहा है। बड़ी माँ, अरे खुश रहो खुश रहो। दादी खुश रहो बिटिया। सासू माँ, अरे उठो उठो बेटी, सुन सुना सुखी रहो। पहले तो सबके पैर छूने का प्रोग्राम खत्म कर ले, या फिर अपना मेकअप करवा ले, ऐसे बार बार आने वालों के पैरों में गिरोगे तो मेकअप खराब हो जाएगा। ए?
क्या कह रही है शहरी छोरी? मेरी बहू मेरा पैर छू रही है तो तुझे क्यों जलन हो रही है? छटाक भर की छोरी का घमंड तो देखो, छोटे बड़े का लिहाज नहीं है, रेशम के कपड़े पहनकर जिस्म की नुमाइश कर रही है। जो भी तुझसे शादी करेगा वो दो दिन में ही छोड़कर भाग जाएगा। दो दिन नहीं हुए जवानी में कदम रखे, अरे छोड़ मेरा हाथ, अभी से आसमान में उड़ने लगी है। अरे देखो तो इसका घमंड, अरे तो छोड़ मेरा हाथ। अरे खाना वहाँ पक रहा है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अरे खाने से मेरा क्या लेना देना, चलिए जल्दी जाइए। वो सब छोड़ दे, अपनी बहन की शादी में ऐसे नौटंकी बास को बुलाने की क्या जरूरत थी? तो बता, बास की तरह बढ़ गई है, बात करने की तमीज नहीं है इसे, बदतमीज करी की, मुझसे जबान लड़ाती है। अगर मेरी बेटी होती तो पता नहीं क्या करती मैं। कैसे संस्कार है ऐसे लड़की के? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मनु, वो बस ऐसे ही मुझ पर नाराज हो गई। क्या हुआ उनको? उन्हें कुछ नहीं हुआ है, जरा अपने आप को देखिए और हमारी सौम्या को देखिए। सौम्या कैसी है और आप कैसी है? ऐसे फैशन गांव वाले कब भी लाइक नहीं करते। शहर वाले हाय बाय कहते हैं ना, तो गांव वाले करते हैं। ऐसी बातें करो ही मत, वो लोग भी खुश और हमें भी आशीर्वाद। हाँ लगे या ना लगे अलग बात है, मैडम एक बार साड़ी तो पहनिए, उसके बाद देखिए। ए सोने के लिए कोई जगह बताओ, बहुत नींद आ रही है। अरे फिकर क्यों कर रहे हो, मैं अभी अच्छी जगह बताता हूँ आपको। तेरे से पूछा क्या, जल्दी बता। आ गए? अरे वो मिल जाएगी। चलो तुम आए तो आए, लेकिन शहर से क्यों आए? मैं शहर में रहता हूँ तो शहर से आऊंगा ना। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम आए तो आए लेकिन शहर से क्यों आए? अरे मैं शहर में रहता हूँ तो शहर का उससे क्या लेना देना है यार। अब जाके मुद्दे पे आए, गिलास भर। अरे ग्लास क्या, बोतल से भरता हूँ। पहले मेरी बात तो सुन। हे भगवान, कमाल का सीन लिखता है तू भी, बिल्कुल मेरी तरह। जेंटलमैन, एक फाइन मॉर्निंग, वन फाइन मॉर्निंग, सूरज धीरे धीरे डूब रहा है। मॉर्निंग में सूरज उगता है, डूबता नहीं है। करेक्ट, यही तो मुझे चाहिए था, यही देखना चाहता था कि तुम मेरी कहानी ध्यान लगाकर सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। ध्यान लगा के सुन रहे हो, शाबाश भाई। तुम्हें क्या हुआ? बहुत जोरों की नींद आ रही है, मैं घर जाके सो जाऊं क्या? अगर तुझे सोना है तो यहीं सो जा। अच्छा। तुझे मैं मॉर्निंग 4 बजे की सेकंड शिफ्ट पे जगा दूंगा, सो जा। तो मैं कहाँ पहुँचा था? अरे अभी तक तुमने स्टार्ट ही नहीं किया यार। वो सूरज उग रहा था। वही सूरज उग रहा था। सूरज जैसे जैसे सर पे जा रहा था, सामने सड़क पे कोई वॉकिंग करती हुई। कौन थी वो लड़की? तेरी माँ थी बे। बोलना कौन लड़की थी? बकवास करता है। हे सुबह सुबह सड़क पे कोई देवी आएगी क्या? वो मेरी आइटम थी, आइटम। वो अपने अंदाज में मेरे सामने से आ रही थी, उसी वक्त मैंने उसे देखा। उस दिन मैंने पहली बार देखा था। तुझे पता है मैंने कैसे बात की? मुझे क्या पता। एक और खूबसूरत सूरज, सूरज डूब रहा था। अब सुबह सूरज डूबता है क्या? पहले तुमने यही बोला था। सूरज उग रहा था। नमक राम फिल्म में जैसे अमिताभ बच्चन अलग अलग ड्रेस पहनता है, तूने फिल्म देखी है कि नहीं? वो लाल कलर था। गलत, पीला था। ठीक है पीला था, नहीं लाल था। हाँ यार, उसके बाद जाकर मैंने उसे अपनी लव स्टोरी सुनाई और उसे रेड शर्ट समझ कर अपने साथ लेकर आया। उसी लड़की को लेकर आया। क्या तू समझा नहीं क्या? नहीं। 1997 अगस्त 15 मैंने अपनी घड़ी देखी, टाइम 8:30 बजा था। थोड़ी देर बाद देखा तब भी 8:30 बजा था। दूसरे की घड़ी में देखा तो 10:30 बज रहे थे, करेक्ट 10:30। टाइम तो मेरा खराब था बे बंदा। उसे ढूंढता हुआ सीधा कॉलेज गया, वो वहां नहीं थी। पता है तुझे कहाँ थी? वो एक शहर के लड़के का हाथ पकड़ के भाग गई। तो ही बताओ ये इंसाफ है? आजकल इंसाफ कहाँ रह गया? 4 बज गए क्या? उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया, कोई भी शहर का लड़का मेरे गांव में आएगा तो उसे लात मार के भगा दूंगा मैं। हाँ सुनो, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए एक और स्टोरी है। और एक? नहीं नहीं नहीं, सुनना पड़ेगा बे बंदर। उठ बे, उठ बे, उठ जा, तेरी ड्यूटी चालू हो गई। चलो ये सुनाएगा क्या? खत्म हो गया क्या भाई? खत्म तो हो गया। ठीक है तो चलो फिर सो जाते हैं। मैं सो जाऊं? हाँ सो जाओ भाई, अपनी कहानी खत्म करके। ये बोल बर्तन बाहर निकाल देना। हाँ, निकाल दूंगा भाई, निकाल दूंगा। भाई ने पूरी स्टोरी सुना दी क्या तुम्हें? सुना दिया यार। स्टोरी में उनकी घड़ी बिगड़ गई थी ना, वो घड़ी मैंने बिगाड़ी थी। क्या? लेकिन क्यों? तुम्हें क्या कर रहा है? ठीक है, स्टोरी में एक लड़की भाग गई थी ना, उस लड़की को भी मैंने ही भगाया था। किस लिए? क्योंकि उस लड़की से मैं प्यार करता था। अगर वो मुझे नहीं मिली तो फिर इसे कैसे मिल सकती है? सर, हम दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई है सुनाऊं क्या? यार ये क्या यार, वंस अपॉन ए टाइम वन अर्ली मॉर्निंग, जब सूरज उगा।
हमारा गांव, हमारे लोग और हमारे तौर तरीके, ये सब दीपा को बहुत पसंद आया। वो जैसे इसमें रम गई। उस पागल को ये भी पता नहीं रहता था कि वो क्या कह रही है। चलो एक जिम्मेदारी तो कम हुई, हमारी सौम्या सदा सुखी रहे। ये शादी इतनी आराम से हो जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सर हेल्प नहीं करते तो मुश्किल था। मैडम उनका कर्ज मैं कैसे उतारूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी जिम्मेदारी को उन्होंने उठा लिया और उनकी जिम्मेदारी तुम उठा लो, हिसाब बराबर हो जाएगा। उनकी जिम्मेदारी मैं? बताइए मैडम मुझे क्या करना पड़ेगा, अकेला नहीं कर पाया तो पूरा गैंग है, उनके साथ मिलकर करूंगा। मनु तुम्हारे सर की दो बेटियां हैं, एक है अनु और दूसरी है दीपा, मतलब कि मैं। तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे डैड की जिम्मेदारी फुल क्लियर। ये आप क्या कह रही हैं मैडम, आपको पता है ना ऐसी बातें मजाक में भी नहीं की जाती। मैं भी इतने दिन से वही सोच रही थी, मेरी बात को कोई सीरियसली लेता ही नहीं। मैं साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी ना? हाँ। हम दोनों की जोड़ी बहुत सुपर्ब लग रही थी ऐसा लोग कह रहे थे। मैडम ये किसने कहा? अब मैं कौन हूँ तुम कौन हो मैडम, तुम कितनी अमीर हो मैं गरीब हूँ, आपकी हैसियत क्या मेरी औकात क्या, आसमान पर कोई सीढ़ी नहीं लगा सकता। ये फिल्मी डायलॉग छोड़कर मैं तुमसे स्ट्रेट अवे कहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ मनु। मैडम मजाक मत कीजिए, चलिए। हेलो पहले मेरी बात का जवाब दो। ठीक है मैडम, आप अपने पिताजी से क्या कहेंगे, मुझसे प्यार करती हैं ऐसा हो सकता है क्या? बात करती हैं। अगर मैं डैडी से कह दूंगी तो तुम हाँ कह दोगे? हाँ? ये तो पीछे ही पड़ गई यार। कहेगी तो ठीक है, मान लिया मैडम, आप जाके डैडी से कहिए, वो हाँ कहेंगे तो फिर देखेंगे। मैं कह दूंगी, किसी से नहीं डरती। चलिए देर हो रही है। मैं क्या अपने बाप से डरती हूँ, मुझे समझ क्या रखा है इसने। मनु मेरे केबिन में आओ। मनु ये सब क्या चल रहा है, सिर्फ मजाक मस्ती से काम नहीं होता है, तुम सबको एंटरटेन करते रहोगे तो काम कैसे चलेगा। वैसे भी ये लड़कियां शरीफ नहीं है तो जरा डिस्टेंस मेंटेन करो। मैडम मैं कौन सा डिस्टेंस मेंटेन करूं यही समझ में नहीं आ रहा है। क्या है ना मैडम, 8 घंटे चुपचाप काम करके पगार लेकर घर जाएंगे ये सोचकर यहां आएंगे तो कंपनी के लिए कौन काम करेगा, सबके साथ हंस के बात कर लेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा, बेचारों का जरा दिल बहल जाएगा और माइंड फ्रेश रहेगा। तुम बहुत शार्प हो गए हो मनु, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि हमें शाम को जरा बाहर जाना है, तुम फ्री रहना। दीपा मैडम को कॉलेज से घर छोड़ना है उसके बाद फ्री हूँ। ओके कैरी ऑन। ठीक है मैडम। मैडम चलिए। इतने लेट क्यों हो गए? लेट हो गया मैं तो करेक्ट टाइम पे आया हूँ। कॉलेज का टाइम तो करेक्ट है लेकिन तुम्हें यहाँ 1 घंटा पहले आना होगा, मुझे घूमना है। घूमना है? ठीक है मैडम मैं सर से बात कर लेता हूँ, वो हाँ कहेंगे तो 1 घंटा क्या 2 घंटे पहले आ जाऊंगा। तुम्हारे सर से क्या मैं डरती हूँ, मैं MBBS कर रही हूँ बच्ची नहीं हूँ। ठीक है आइए चलिए। तुम्हें म्यूजिक पसंद नहीं है क्या? बात नहीं करोगे क्या? बाहर देखो हम दोनों के प्यार को देखकर आसमान भी कितना खुश हो गया है। कुछ तो बताओ तुम्हें क्या पसंद है मनु, तुमने क्या डिसाइड किया है? बात नहीं करना चाहते हो? ठीक है तो गाड़ी रोको। मैं क्या कह रही हूँ समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा गाड़ी रोको। मैडम बैठो, मैडम बारिश हो रही है बैठो, आओ ना मैडम। मैडम आइए। पहले तुम कहो कि मुझसे प्यार करते हो। अरे आओ ना मैडम। कहो कि प्यार करते हो। अरे बारिश हो रही है मैडम, आओ ना मैडम, आओ ना मैडम चलते हैं। पहले आओ कहो ना मैडम, प्यार करते हो तभी मैं गाड़ी के अंदर आऊंगी। मैडम चलो ना मैडम। एक बार कह दिया ना नहीं आऊंगी, आई लव यू कहो तभी आऊंगी। खुद को क्या समझती है, दुनिया देखी है तूने? प्यार करना इतना आसान नहीं है मोहतरमा, बड़े बड़े तूफानों का सामना करना पड़ता है। क्या समझती हो मेरे दिल में प्यार नहीं है?
मेरे दिल में भी प्यार है, मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन हम जैसों को एक सीमा में रहना पड़ता है। बीच में मत बोलो। क्या है, अपने बाप को तुम हर बात के लिए मना लेती हो ना, प्यार को भी यही समझती हो क्या? ए दीपा, तुम अब भी नादान हो। दुनिया के तौर तरीके अलग हैं। मेरी महीने भर के तनख्वाह से तुम्हारा एक दिन का खर्चा भी पूरा नहीं होगा। बात करती है, चलो। ये क्या है, तुम तो पूरी भीग गई हो। ठीक है, पहले जाकर चेंज कर लो। ठीक है दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। ठीक है, चलें क्या? घर से लेकर यहाँ तक मैंने जो कुछ तुमसे कहा, तुम सिर्फ हाहू हाहू करते आए हो, कोई जवाब ही नहीं दिया। कुछ कहो ना मनु। मैडम, मुझे आपसे एक बात करनी है, पर समझ में नहीं आता कैसे करूं। मुझसे कैसी झिझक मनु, कहो ना। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करेंगे? शौक लगा ना? सिर्फ एक ही बार ये बात कही तो आपको शौक लग गया ना मैडम। और आपकी बहन मुझसे प्यार करो, मुझसे शादी करो कह के रोज मुझे शौक देती है। प्यार से, बातों से समझाया, मार के भी समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी बहन बुरी नहीं है मैडम, वो अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है। मैं जहां कहूं आने को तैयार हो जाएगी, इसका मतलब जो मन में आएगा वो करेगी। जब मैं नौकरी के लिए भटक रहा था तो आपके पिताजी ने नौकरी दी, मुझे बच्चे जैसा समझा, जिम्मेदारी दी, मेरी बहन की शादी भी करवाई। वो मेरी माँ को बहुत मानते हैं और मैं उनके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता। खैर मैडम, आप ही बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? दुनिया चाहे कहीं भी पहुंच गई हो, समाज आज भी वही है, गरीब गरीब है और अमीर अमीर है। मैडम, भले ही हम लोग कितने भी ब्रॉड माइंडेड हों, फिर भी ये ऊंच नीच की चिंगारी ठंडी राख के अंदर दबी रहती है। मैडम, ये सब मैंने उस पागल को समझाया, पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। आप समझदार हैं, अकलमंद भी हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं फ्रंट सीट पे बैठने वाला एक ड्राइवर हूँ और आप बैक सीट पे बैठने वाली मालिक। मैं जानता हूँ कि आप ये सब समझ सकती हैं, इससे ज्यादा और मैं आपसे क्या कह सकता हूँ। इसमें दीपा की कोई गलती नहीं है मनु, तुम्हें देखते ही किसी भी लड़के को पहली नजर में ही प्यार हो जाएगा, और इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। समझदार लोग भी कभी कभार बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। दीपा तो अभी बच्ची है, बेचारी में अभी इतनी समझ भी नहीं है। इसका मतलब आप भी दीपा को नहीं समझा सकती मैडम? मुझसे नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। इस सिचुएशन में अगर मैं उसे समझाऊंगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तुम जानते हो ना उसकी आदत को, टाइम देकर मैं खुद उससे बात करूंगी, तब तक जरा बर्दाश्त कर लो। मैडम, आप पता नहीं किस काम से बाहर लाई थी, अपनी कहानी सुनाकर मैंने आपका मूड खराब कर दिया, सॉरी मैडम। अरे ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेंड को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए आई थी, फोन किया तो नॉट रीचेबल है, लगता है कवरेज एरिया से बाहर है। किसका बर्थडे मैडम? तुम्हें नहीं पता है क्या? अरे यार, तुम्हारी छोटी लड़की नजर नहीं आ रही है। अरे पहला विश तो उसी ने किया है, ये प्रिपरेशन, ये अरेंजमेंट सब उसी का है। बारिश में भीगने की वजह से बुखार आ गया है, इसीलिए वो अपने कमरे में है, उसे बुलाऊं? अरे नहीं नहीं, रहने दो यार। यहाँ इतने लोग जमा हुए हैं, उसके बावजूद माहौल कितना शांत है। अगर वो यहाँ आगे और उसने मुझे देख लिया तो पूरी दुनिया सर पे उठा लेगी। हाँ। सुदर्शन, मुझे तुमसे खास बात करनी है, तो जरा चलिए सुरेश एक मिनट। हाँ, प्लीज कहिए। कहिए राजा राम जी। ऐसा कुछ नहीं, बस मेरा लड़का अमेरिका से आ रहा है, उसके लिए यहाँ एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोल रहा हूँ। आपकी बड़ी लड़की भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है,
मुझे लगता है दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी, तो आपका क्या ख्याल है? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक मिनट कौशल्या। हाँ एक मिनट सुबू। ये लो ये जरा दीपा को दे दो। दीदी मैं यहाँ ये सब काम करने नहीं आया, मैं डिग्री लेने आया। तुम यहाँ डिग्री लेने आए हो, अब जाओ। हेलो क्या यार, पूरे घर वालों ने मुझे नौकर समझ के रखा है। सुनिए ना सुबू जी, लड़की की आवाज, मुझे किसी ने आवाज दी? मैंने। मुझे इतनी इज्जत क्यों मिल तुमसे रही है? मिलने के लिए मैं तुम्हारे घर पर आई हूँ। हाँ? तुम अपने हाथों से मुझे केक नहीं खिलाओगे? अरे तुम मांगो और मैं ना दूं तो इसमें मेरी बेइज्जती हुई ना। सुनो मनो, इलेक्ट्रिक पोल की तरह खड़े रहने से काम नहीं चलेगा, फंक्शन में भाग दौड़ करो। चलो ये लो गोली ले जाओ और दीपा को खिला दो। अरे लो ना यार, मुंह क्या देख रहे हो मेरा, पकड़ो, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, समझ गए ना। एक्चुअली आज शाम को क्या प्रोग्राम है? अपना हाथ हटाओ। तुमने फ्री होकर बात की इसलिए मैंने कंधे पे हाथ रखा था। तुम्हें केक चाहिए ना, चलो मैं खिलाता हूँ। तुम क्या कहती हो बेटी, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? आप जो करेंगे वही सही है डैडी। टैबलेट खा लो। ये लो। कहाना टैबलेट खाओ। क्यों तमाशा कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? वही होना बाकी है। कहा ना दवाई खाओ। मनु मैं ये खा लूंगी तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मुझे कोई ऐसी दवा ला कर दो जिसे खाकर मैं कभी ना उठूं। दूंगा ना कान के नीचे एक। कल का तुम्हारा थप्पड़ मैं अब तक फील कर रही हूं। मनु तुमने कल किस हक से मुझे मारा? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता तो तुम मुझ पर हाथ नहीं उठाते। तुम्हारे दिल में भी प्यार है लेकिन तुम बता नहीं रहे हो। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकती। मनु तुमने कहा था ना कि इस दुनिया को तुम जानती हो क्या? नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे बगैर मुझसे नहीं जिया जाएगा। मुझे डर लग रहा है मनु। I love you. पलक झपकते कई महीने गुजर गए। मैं किससे प्यार करता हूं मेरी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी चाहत ने मुझे बदल के रख दिया। क्या हुआ? लेकिन भीतर ही भीतर मुझे डर भी लग रहा था। इसलिए नहीं कि उसका दिल टूट जाएगा, बल्कि ये सोचकर कि कितनों का दिल दुखाना पड़ेगा। क्या हुआ मनु? क्या बात है मनु? लगता है हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो? ए हेलो, पहले खुलकर समझाओ मुझे। यहाँ पर कोई शूटिंग चल रही थी क्या? किस सीन में तुम्हें मुझे किस करना है और मेरा हाथ पकड़कर मुझे? ए पागल, मैं हाथ पकड़ने के बारे में नहीं सोच रहा, हाथ छुड़ाने के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी ये रिश्ता मानेंगे? इतनी सी बात? मैं तो कुछ और ही सोचकर डर रही थी। मेरे मॉम डैड को मनाना कोई बड़ी बात नहीं, तुम जैसे ब्रह्मचारी को नहीं मनाया क्या? दीदी का तो ऑलरेडी रूट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमारा नंबर है, घर वाले नहीं माने तो कोर्ट मैरिज। उसके बाद मॉम डैड एक ड्राइवर को दामाद बनाकर एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या है? तुम थोड़ा सीरियस होके नहीं सोच सकती हो? शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है मैडम, पर शादी के बाद बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, घर चलाना पड़ता है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तो भूल ही गई, एक मिनट। हाँ
ये लो। ये क्या है मैडम? जैकेट है। अरे मैं अंधा नहीं हूँ, पर किस लिए? पहनने के लिए, बहुत अच्छे लगोगे। ठीक है लाओ, घर जाके पहन लूंगा। आओ। कौन सा घर? नहीं अभी पहनो। अरे ये सड़क है मैं मैडम। मैं सब नहीं जानती। चलो उतारो इसे। अरे उतारो, रुको, अभी रुको, पहनना रुको होगा। तो मैडम। हाँ। ठीक है पहनता हूँ। रुको तो। कहाँ फंस गया मैं भी? बड़ी जिद्दी है। ये लो। जिंदगी भर तुम मुझे बिल्कुल इस खिलौने की ही तरह प्यार करते रहना। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। ए, दिखाई नहीं देता क्या? मनु भैया। लीना, क्या हुआ तुम यहाँ? ए लीना, तू यहाँ कैसे आई? ए, चल रे मेरे साथ, चल चल। नहीं। क्या बात है लीना? भैया वो ए छपरी घोड़ा, तेरे भाई की इतनी हिम्मत बढ़ गई? वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर कृष्णा के मर्डर के बारे में सोच रहा है? उसे आने दो यहाँ, यही काट के फेंक दूंगा। ए, पकड़ो उसे। जिनका भाई और बेटा मवाली होता है उनका यही हाल होता है। उधर देखो भाई। क्या भैया कितना महंगा दे रहे हो? पकड़ो उसे। क्यों बे, मैं समझ रहा था कि तू डर के भाग रहा है, लेकिन तू तो खिलाड़ी निकला। कौन है बे तू? तेरी इतनी औकात, हमसे पंगा लेगा? आंखें नीचे कर बे, आंखें नीचे कर बे। बड़ा हिम्मत वाला है तू, मौत का डर नहीं है ना तुझे? अरे ये छमिया के वजह से इसमें हिम्मत आ गई है। अबे तेरी तो माँ कहती है आंख झुकाने से पहले सामने वाले की औकात देख लेना, क्योंकि आंख बंद होने तक उसे मेंटेन करना पड़ेगा ना गुरु। कोई भी सड़क छाप मुझे आंखें झुकाने के लिए कहेगा तो मैं मान लूंगा क्या? माँ का दूध पिया है तो एक एक करके सामने आओ। मत है तो आजा। ए, जा रे। नामर्द हो तो सब साथ में आ जाओ। ए, जाओ सालो, जाओ। मनु, फिर क्या हुआ? मनु, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? मनु, Oh!
सौम्या की शादी में आने की वजह से तुम लोग यहाँ की रोटी तोड़ रहे हो। ए, तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारे घर वाले सर नहीं उठा पा रहे। ऐसा क्या हो गया मनु? मुझसे सवाल मत करो। हर गुंडा आखिरी में सड़क पर कुत्ते की मौत मरता है। ए, छोड़ दो ये गंदी हरकतें। बाहर आके बदल जाओगे, सुधर जाओगे क्या? ये वादा करते हो तो तुम्हारी बेल का इंतजाम कर दूंगा मैं। मनु, तू क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा है यार? तू हमारे लिए दूसरों के आगे हाथ पर क्यों जोड़ेगा? हमारी बेल करवाकर हमें बाहर निकलवाने वाले हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। अब हम फुल प्रोफेशनल बन गए हैं यार। तूने अभी कहा था बदल जाओगे क्या, तो ठीक है बदल जाते हैं हम लोग, लेकिन मानेगा कौन बता? जाने अनजाने हम लोग एक शेर पे चढ़ चुके हैं, अगर उतर गए ना तो हमारी जान ले लेगा वो। तू जाने यार मनु, भगवान के लिए दोबारा यहाँ मत आना कभी। हमारी वजह से तेरी बदनामी हो ये हम नहीं चाहते। तू जा अपनी लाइफ जी यार। यहाँ से बाहर निकलने के बाद अगर हमें रोटी की तंगी हुई तो तेरे पास आ जाएंगे यार। मनु, तू अगर काम दिलवाएगा तो इतनी एनर्जी काफी है क्या? ए, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं जा रहा हूं। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? सर, मेरे चार दोस्त हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं, पर पुलिस ने गलत फहमी में गुंडा समझकर एक मर्डर केस में अंदर कर दिया है। ऐसे तो आगे चलकर वो सच में गुंडे बन जाएंगे, उनकी बेल हो जाती तो। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं सर, अगर आप कोशिश करें तो उनकी जमानत। ठीक है, देखता हूं। क्या बात है सर, क्या हुआ? पता नहीं क्यों सीने में दर्द हो रहा है। चलो हम लोग जरा हॉस्पिटल जाकर आते हैं। कम। ठीक है सर। वहां से इंडस वेस्ट साइड हॉस्पिटल गए। मुझे बस इतना याद है, आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। आई सी। मिस्टर नायक, या इसे सिर्फ इतना ही याद है, आगे क्या हुआ इसे कुछ याद नहीं। शायद वहीं पर इसके साथ कोई अनहोनी घटना घटी होगी। व्हाट डू यू मीन सर? मतलब इसके सर पर कहीं चोट नहीं है, फिर भी इसके साथ कुछ ना कुछ क्राइम तो जरूर हुआ है। हाउ श्योर आर यू? आई एम वेरी श्योर सर। यहाँ कोई मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहा है, ये क्या हो रहा है? देखिए माँ जी, हमें अभी अभी पता चला है कि आपके लड़के की उस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उसे यहाँ से शायद एक दो दिन के अंदर डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल, दीपा, डॉक्टर सुरेश और वो चारों लड़के, फिर सोम भाई, इन सबका आपस में कोई लिंक ही नहीं है। अगर मैं दीपा से जाकर मिलूं तो हो सकता है इसका कोई जवाब मिल जाए। मनु, ठीक हो रहा है? ओ गॉड, कहाँ है, कैसा है वो? वो हमारे ही कस्टडी में है। उसके ऊपर मर्डर केस का चार्ज लगा है। ओह माय गॉड। उसने हमें अपनी सारी कहानी बता दी है। तुम उसे प्यार करती हो ना? लेकिन उसकी ये हालत कैसे हुई ये नहीं बता पाया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मनु क्रिमिनल कभी नहीं हो सकता सर। हाँ, उसकी दिमागी बीमारी को 1 साल हो गया है। वो बिल्कुल ठीक था सर, फिर ये सब कैसे हो गया कुछ पता नहीं सर। मैंने और मेरे डैडी ने उसका इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नब्स वीक होने की वजह से शायद ऐसा हुआ। या, आई नो। मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट ही हूँ, उसे किसी भी तरह मुझे ठीक करना है, इसलिए इस बारे में स्टडी कर रही हूँ। बिकॉज आई लव हिम एंड ही कांट बी अ क्रिमिनल। बट अभी जल्दी ही तुमने सुना होगा कि बाबू का मर्डर हो गया है, जिसकी वजह से हम भी जरा कंफ्यूजन में है। बाबू मतलब एमएलए सोम जी का छोटा भाई ना? यू आर राइट। उसका मर्डर हमारे मेडिकल कॉलेज में ही हुआ था। हाँ, उसी केस की वजह से मनु को अरेस्ट करना पड़ा। उसका खून करने वालों को मैंने देखा है सर। व्हाट? इसे वो फोटो दिखाओ जरा। ये है क्या? 100% यही है। उस दिन उनका बिहेवियर देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा था। कॉलेज में बॉडी मिलने के बाद खून इन्हीं लोगों ने किया है, मुझे कंफर्म हो गया। ये चारों इस वक्त कहीं छुपे हुए हैं, अगर कहीं दिख जाए तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। क्या मैं मनु से एक बार मिल सकती हूँ? अभी तो मुश्किल है। अच्छा, तुम्हें तो इंडस वेस्ट साइड हॉस्पिटल का पता होगा ना? जी हाँ सर, वो हमारे फैमिली डॉक्टर सुरेश अंकल जी का है। क्यों सर? हाँ, वो मैं एक्सक्यूज मी। ओके। हाँ नमस्कार, बोलिए सर। क्यों जनाब, उसने मुंह खोला क्या? नहीं सर, उससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की ने आपके
भाई का खून होते हुए देखा है सर। कहीं वो कचरा पट्टी ग्रुप तो नहीं? जी हाँ वही है सर, कचरा पट्टी ग्रुप के चार लड़के। हाँ बोलो सोम भाई। जिन चार लड़कों की तुमने बेल कराई थी उन्होंने ही बाबू को मारा है। आपको किसने बताया? पुलिस वालों ने बताया है। मेडिकल कॉलेज के किसी लड़की ने देखा है उन चारों को खून करते हुए। अब जो भी करना है करो। धत, सड़क छाप चिलरों से डील करना भारी पड़ गया। क्या हुआ सेटी, क्या बात है? एक लड़की ने बाबू का मर्डर होते हुए देख लिया था। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था वो लड़के स्लम के लड़के हैं, कहीं भी फंस जाएंगे। अरे आखिर इस बाबू ने ऐसा क्या किया था कि तुमने उसे मरवा दिया? वो तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा था। शटी, क्या कर रहा है शटी? क्या? ये कोई बहुत बड़ा घाव नहीं है मामू, थोड़े वक्त में सूख जाएगा। लेकिन जो अंदर यहां जख्म हुआ है वो कभी नहीं सूखेगा मामू। वो बाबू मेरी कुर्सी पर बैठना चाहता था, मैं उसे कुर्सी पर बैठा देता। वो आरएस रवि कप का उसे लुढ़का देता मामू, मैं ही सामने खड़ा होकर उसे बचा लेता था। लेकिन मैं खुद उसे इस दुनिया से उठाने के लिए तैयार हो गया तो सोचो मामू कि ये काम मैंने कितनी मजबूरी में किया होगा। मामू मैं बहुत मजबूर था मामू, मैं उसे बहुत मानता था। लेकिन उसने क्या किया? उसने मेरी बीवी को ही अपना बना लिया था। आज मेरी बीवी मेरे पास होते हुए भी मेरी नहीं है। मुझे उससे नफरत होती है मामू। कैसी विडंबना है, ये शेट्टी इस फील्ड का किंग है लेकिन घर में सोम भाई को पता चला तो? इस शेट्टी को 100-200 लोग भी नहीं हिला सकते तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? स्वामी को फोन लगाओ मामू, लगाओ। ए स्वामी, जिस मेडिकल कॉलेज में तुम बाबू को टपकाने के लिए गए थे वहां तुम्हें किसी लड़की ने देख लिया है और पुलिस को बता भी दिया है। देखो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आपका नाम कहीं नहीं आएगा भाई, हम सब संभालेंगे, फिक्र मत करो। नंदा उस दिन कॉलेज में एक लड़की से तुम्हारी टक्कर हुई थी ना, उसका चेहरा याद है क्या? क्या क्या? कुछ नहीं यार, बाबू को मारते हुए उस लड़की ने हमें देख लिया था। हाँ अब वो पुलिस वालों को क्लू दे रही है। हाँ हो सकता है कल वो गवाही भी दे दे। अच्छा तो फिर? देखो एक ही गवाह जिंदा है, किसी भी तरह हिम्मत करके फील्ड में उतर तो चुकी हैं। अगर उस गवाह को उड़ा देंगे ना तो चैन की जिंदगी जी सकते हैं। यार स्वामी वो लड़की है यार। तो क्या हुआ यार? अरे उसे धमकी दे देंगे तो वो ऐसे ही डर जाएगी, उसे मारने से क्या फायदा होगा? हाँ तेरे जैसे सोचने वाले ही ना समय से पहले ऊपर पहुंच जाते हैं। इस कोयता को ना लड़का और लड़की में फर्क नजर नहीं आता। अरे लड़कियों को मारना हमें शोभा नहीं देता यार। तू सीधी बात करना यार, मारेगा कि नहीं मारेगा? मैं किसी लड़की को नहीं मार सकता। ठीक है तो फिर तेरा काम जय कर लेगा। जय सुनना या? अरे वो लड़की है यार, समझा कर। हमारा प्लान फिक्स हो चुका है, कहाँ कैसे करना है, तू बस लड़की दिखा देना, समझा? जय सुन, तू दिखाएगा। अरे सुन तो। तू ए दोस्त। अरे मैं उसे दिखाऊंगा तभी मार पाएंगे ना, मैं दिखाने वाला ही नहीं। अरे वो बात नहीं है यार तो? कल तेरी वाली आ रही है। हाँ। अगर दारू मिल जाए तो। वो 18 साल की हो गई यार, कितनी जल्दी वक्त गुजर गया। कल ये लोग क्या करते हैं पहले वो देखते हैं। हाँ? उसके बाद मंदिर में ले जाके मंगलसूत्र पहना कर सीधे गोवा का टिकट कटवाऊंगा। फिर किसी को नहीं मिलने वाला। शेट्टी करेगा ये सोचकर हमें चुप नहीं रहना है। वो लड़के जहाँ भी मिले काट के फेंक डालो। मैं बेलकोटे से आया हूँ, नाम सुशांत। साहब वो सुदर्शन साहब ने हमें यहाँ भेजा है। ओह सुदर्शन ने तुम्हें भेजा है? हमारे बाबूजी के हम तीन थे, दो स्वर्गवास हो गया। हमारी पुरखों की जमीन पर लोगों की बुरी नजर है, इस बात को लेकर मैं बहुत कोर्ट के चक्कर नहीं लगा पाऊंगा सर। मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा सर। देखो तुम्हें या तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए या फिर कोर्ट में जाना चाहिए। वहां जाने के बजाय तुम मेरे पास क्यों आए हो?
मैं एक डॉक्टर हूँ। अरे वो क्या है, आप मशीन की टोपी पहनाकर दिमाग घुमाने का काम करते हैं ना। छी छी, ऐसा कोई भी गलत काम हमारे यहाँ नहीं होता है। ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? ये सब के सब झूठ है। पैसे की फिक्र मत करो साहब। सुनो मिस्टर, हम पैसे के लिए बिकने वाले इंसानों में से नहीं है। अरे सुदर्शन साहब ने हमें सब कुछ बता दिया है साहब। ठीक है, पेशेंट कौन है? ये पेशेंट है। मुंह खोलो। उस दिन सुदर्शन उसकी बच्ची के बर्थडे पे बहुत उदास था। मैं क्या करूं सुरेश, बड़ी वाली शादी के लिए राजी है इसके लिए खुशियां मनाओ, या छोटी वाली ऐसा कर रही है सोचकर दुखी हो जाओ। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा मतलब क्या, ये बताओ। अनु शादी के लिए राजी हो गई है ये बताने के लिए मैं दीपा के कमरे में गया। आफ्टर ऑल वो एक ड्राइवर है, वो मेरी बेटी से प्यार करता है, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। कुछ नहीं, दो चार लड़कों को भिजवा कर उसकी अकल ठिकाने लगवा देते ना। ना नहीं सुरेश, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ए, ये गुंडों का भी बाप लग रहा है, चलो भागो यहाँ से, भागो। वो बहुत सारे गुंडों पर भी भारी पड़ता है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। रास्ते चाहिए, वो तो बेशुमार है। एक काम करो, उसे मेरे हॉस्पिटल में ले आना। अब तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये हुआ था। यू आर ए डॉक्टर, तुम्हारा फर्ज है मरीज को बचाना, सब कुछ है, लेकिन कर्म अच्छे नहीं है, अच्छे इंसान को भी पागल बना देते हो। सॉरी मनु, पुलिस का प्रोसीजर ही ऐसा है, इसलिए अच्छे कौन है और बुरे कौन है पता नहीं चलता। वी आर सॉरी। हाँ, यहाँ तो सैकड़ों लड़कियां हैं यार, वैसे तो मैं उस लड़की का चेहरा ही भूल चुका हूँ यार, अब तो उसे ही पूछना पड़ेगा, पहचानती हो क्या? क्या मुझे जब अच्छे दिन है तो क्यों लड़की के पीछे पड़े हुए हो? अरे वो लड़की हमें यहाँ नहीं मिलेगी यार, हमें यहाँ से चलना चाहिए, एक दो महीना कहीं छुपके रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सर मैं दीपा। हाँ बोलो। जिन लड़कों ने खून किया था वो हमारे कॉलेज में ही है सर, लगता है किसी को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। देख मेरे मना करने के बाद भी वो फोन कर रही है। कहाँ हो तुम, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आ रहा हूँ, थोड़ा रुक, बस पहुँच ही रहा हूँ। मेरी बात तो मानते ही नहीं। उन पर नजर रख रही हो ना दीपा, वो लड़के अभी वहीं पे है ना? जी हाँ सर, वो लोग यहीं पर हैं। ओके दीपा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या है सर? वन सेकेंड, लो बात कर लो। हेलो। ओह माय गॉड, मनु तुम कैसे हो? मनु प्लीज कुछ बोलो, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। मैं कितनी बार तुम्हारे घर गई थी बता, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। मनु, I miss you a lot, मनु। अरे वो कहीं नजर आई क्या? नहीं यार, अभी तक तो नहीं दिखी। तुम्हारी याद में मैं हमेशा अपने हाथों में मेहंदी लगाती हूँ, उसे तुम्हें दिखाना है मनु, तुम जल्दी से आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मनु। ए नंदा। हाँ। वो जो फोन पे बात कर रही है, रेड कलर के चूड़ीदार पहनी है, वही लड़की है ना? अरे वो मुझे मालूम नहीं। क्या भेड़ू, किसे बनाने की कोशिश कर रहा है? मेरे हिसाब से वही लड़की है। ए चल 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 चल, सुन मुझे नहीं लगता कि ये लोग उसे जिंदा छोड़ेंगे, तू यहीं रुक, मैं आता हूं। भाई जरा संभाल के आ थोड़ा। मनु दीपा सुनो, गाड़ी तेज चला, मूव इट फास्ट, गो 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 गो। अरे ये वही लोग हैं, इन्हें जिंदा मत छोड़ना। Oh,
है। खोलो दीपा, 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 दीपा। आंखें खोलो दीपा, दीपा मैं हूं मनु। डैडी आप किसी और को पागल बनाना चाहते थे, देखो आज आपकी बेटी ही पागल हो गई। मनु तूने उस दिन कहा था कि सारी लकीरें कहीं ना कहीं आकर जुड़ती हैं। उस वक्त मैं उस बात को समझ नहीं पाई थी कि वो कलाकार कौन है।